And today we'll continue with our topic, which is periodic table. Periodic table. Okay, so last time we learnt about electronic configuration. ठीक है, और electronic configuration में सबसे lowest energy कौन से orbital की रहती है? Orbitals के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, और सबसे lowest energy कौन से orbital की रहती है? जरा याद दिलाओ मुझे. 1s sir. 1s. Okay. तो सबसे लोवेस्ट एनर्जी रहती है 1s की, और 1s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन. तो देखो, हाँ, रिकॉर्डिंग हो गई है ना स्टार्ट. हाँ, तो यहाँ पे आ गए 2 इलेक्ट्रॉन. अच्छे से देखना, ये आ गए 2 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, अब 1s के बाद कौन सा ऑर्बिटल आते हैं बताओ? 2s. तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन. तो देखो, ये मैंने कर दिए फिल 2s के 2 इलेक्ट्रॉन. मैं जस्ट इलेक्ट्रॉन्स के लिए अलग अलग बॉक्सेस बनाते जाने वाला हूँ, और कुछ नहीं करने वाला हूँ. 2s के बाद क्या आता है? 2p. ओके, तो 2p में आएंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स थे. यस सर. तो 2p के 6 इलेक्ट्रॉन्स बना देते हैं. तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3, 4, 5 एंड 6. ठीक है, 2p के बाद, 2p के बाद मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप पीरियोडिक टेबल बना रहे हो? करेक्ट. तो 2p के बाद क्या आता है? तो 3s. ठीक है, तो देखो, ये था 1s के. ठीक है, ये 1s था, ये भी 1s था, ये था 2s एंड ये सारे थे 2p. ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3s, और 3s के बाद क्या आता है? 3p. तो ये बन गया तुम लोगों का 3p. ओके, अब 3p के बाद क्या आ जाएगा? 4s. याद रखना, 3p के बाद 4s आता है, और 4s के बाद क्या आता है? 3d. परफेक्ट. तो 4s के बाद आएगा 3d. तो लास्ट टाइम जब मैं पीरियोडिक टेबल लिख रहा था, किसी ने ये डाउट पूछा था कि सर, आपने यहाँ पे जो 3D लिखा है वो 4D नहीं आना चाहिए क्या? याद आ रहा है? किसी ने पूछा था, मुझे याद नहीं है, बट किसी ने तो पूछा था. अभी मैं यहाँ पे 10 कॉलम्स नहीं बनाते बैठूंगा, बट ये हो गया 3D. ठीक है, अब अगर तुम लोग पीरियड वाइज जाओगे, तो ये था पीरियड नंबर 1, पीरियड नंबर 2, पीरियड नंबर 3 एंड पीरियड नंबर 4. ठीक है, तो याद रखो, फोर्थ पीरियड में डी ब्लॉक आता है, सॉरी डी ऑर्बिटल आता है, या फिर फोर्थ पीरियड में 3D ऑर्बिटल स्टार्ट होता है. ठीक है, तो इसे लिखते वक्त हम लोग कैसे लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे n-1 डी ब्लॉक. डी ब्लॉक को हम लोग कैसे लिखते हैं? तो n-1 डी ब्लॉक. इसे लिखने का रीजन समझ में आ गया? ये फोर्थ पीरियड में थर्ड डी ऑर्बिटल आता है, फोर्थ पीरियड में थर्ड डी ऑर्बिटल आने की वजह से हम लोग इसे लिखते हैं n-1. तो 4-1 अपने आप 3D बन जाएगा. एनी डाउट? तो उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे 4p. अभी मैं वापस वो कॉलम्स नहीं बनाते बैठने वाला हूँ. 4p के बाद कौन आता है? अरे बोलो बोलो, तुम लोगों को एक याद आने के लिए. 5s के बाद क्या आने वाला है? 4d. ओके, एंड 4d के बाद, वो लिस्ट ओपन करके ही रखना, तुम लोगों को एक बार याद रहना ही चाहिए. ठीक है, 5p. ओके, तो उसके बाद आ गया 5p. 5p के बाद 6s. ओके, 6s के बाद 4f. अब यहाँ पे अगर मैं वापस 4f अरेंज करता तो ये पीरियड टेबल और लेंदी हो जाता. समझ में आ रहा है? हम लोग बीच बीच में अगर ऐसे ऐड कर देंगे तो पीरियड टेबल और लेंदी हो जाएगा, एंड इट विल बिकम इनकन्वीनियंट फॉर अस. तो ये इनकन्वीनियंस ना हो, इसलिए हम लोगों ने 4f कहाँ पे ड्रॉ किया था? 4f हम लोगों ने नीचे की तरफ सिचुएट कर दिया. ठीक है, तो पीरियडिक टेबल अच्छा दिखे इसलिए हम लोगों ने 4f ऑर्बिटल्स के एलिमेंट्स को नीचे की तरफ सिचुएट कर दिया. ठीक है, इट्स अलोंग zx, राइट सर? इट्स अलोंग zx, xy, x-axis, y-axis एंड z-axis. बट यहाँ पे एक्सिस कहाँ पे आएंगे? मतलब समझा नहीं मुझे. नहीं मीन सर, अंडरस्टैंडिंग के लिए बोल सकते हैं ना, वो ऐसे पीछे की तरफ आते हैं ऐसे. पूरा अलग कंसेप्ट है. नहीं नहीं नहीं, वो पूरा अलग कंसेप्ट है, वो हम लोग बाद में देखेंगे. पीछे की तरफ नहीं आते ये ऐसे कुछ. ओके, एंड उसके बाद ये था क्या था? हाँ, तो मैं यहाँ पे लिखना भूल रहा हूँ ना. तो देखो, ये था 4D. ठीक है, एंड फिर यहाँ पे
हम लोगों ने लिखा था 4F, याद आ रहे हैं? अब मुझे बताओ 4F कौन से पीरियड में आ रहे हैं? 4F कौन से पीरियड में आ रहे हैं? सिक्स्थ पीरियड. तो जैसे मैंने d ऑर्बिटल के लिए n-1 d ऑर्बिटल लिखा, तो f के लिए मैं क्या लिखूंगा? n-2 f ब्लॉक. देखो सिक्स्थ पीरियड में 4F के एलिमेंट आते हैं, याद रखो सिक्स्थ पीरियड में 4F के एलिमेंट आते हैं, इसलिए हम लोगों को इसको n-2 f ब्लॉक लिखना पड़ेगा, ठीक है? और फिर वापस 5D, सिक्स्थ पीरियड में 5D रहने वाला है, एंड देन ये आगे कंटिन्यूड रहने वाला है, ठीक है? ये इसके बाद तो सिक्स पीरियड में 6P आ गया, ठीक है? फिर यहाँ पे आ जाएंगे 7P, 7P के बाद, हाँ सॉरी 7S, उसके बाद कौन सा आता है? 5F आता है, बराबर. तो 5F को मुझे ऊपर ना लिखते हुए नीचे लिखना पड़ेगा, तो ये आ गया तुम लोगों का 5F, ठीक है? अगेन 5F जो है वो कहाँ पे आता है? तो वो 7th पीरियड में आने वाला है. वो 7th पीरियड में आने की वजह से हम लोग उसको n-2 बोलेंगे, तो 5n-2 हो जाएगा, ठीक है? एंड ये 6D, तो डी ऑर्बिटल हमेशा n-1 रहता है. मतलब तुम लोगों को अगर किसी ने पूछा कि 5th पीरियड में कौन सा डी ऑर्बिटल आता है, तो तुम लोग n-1 करके बोलोगे, कौन सा आएगा? 4D, करेक्ट, ठीक है? एंड सिमिलरली अगर तुम लोग किसी ने पूछा कि 7th पीरियड में कौन सा एफ ऑर्बिटल आता है, क्या नहीं समझा अभी इसमें? मतलब ये 4D कैसा? फिफ्थ पीरियड में कौन सा डी ऑर्बिटल आएगा, तो तुम लोगों को n-1 करना है, तो 5-1, तो 5-1 इज 4, इसमें क्या डिफिकल्ट है? ओके सर, हां थैंक यू. तो अब ये बाद में, अभी मैं ब्लॉक्स तो नहीं बनाते रहने वाला हूँ, बट पीरियोडिक टेबल की अरेंजमेंट कैसे है वो तुम लोगों को समझ में आ गई. ये पूरा ऑफ बॉस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली है. देखो सबसे पहले हम लोगों ने 1s के इलेक्ट्रॉन भरे, उसके बाद हम लोगों ने 2s भरा, फिर 2p, देन 3s, फिर आएगा 3p, 3p के बाद आता है 4s, 4s देन 3d, देन 4p, उसके बाद आएगा 5s, देन 4d, देन 5p, उसके बाद आएगा 6s, देन 4f, 5d, 6p, देन 7s, 5f, 6d, 7p. देखो ये तुम लोगों की ऑफ बॉस प्रिंसिपल की ऑर्डर ही है या नहीं है? Yes, sir. तो तुम लोगों को एक छोटी सी चीज याद रखनी है, डी ऑर्बिटल को हम लोग क्या बोलेंगे? तो डी ऑर्बिटल इज n-1 डी ब्लॉक, ठीक है? एंड एफ ऑर्बिटल को हम लोग क्या बोलेंगे? तो n-2 एफ ब्लॉक. क्यों? क्योंकि फिफ्थ पीरियड या फिर फोर्थ पीरियड में हम लोगों को एक नंबर माइनस करके डी ऑर्बिटल का नंबर मिलेगा. सिमिलरली सिक्स और सेवन पीरियड में हम लोगों को दो नंबर माइनस करके एफ ऑर्बिटल मिलेंगे, ठीक है? तो सिक्स में 4F रहता है, तो 6-2 इज 4, सेवेंथ में 5F रहता है, तो 7-2 इज इक्वल टू 5, ठीक है? तो ये थी हमारी पीरियड टेबल की प्रिपरेशन, मतलब ये कैसे बना, इसका लेआउट क्यों ऐसा है, इसका रीजन तुम लोगों को भी समझ में आ गया होगा, ठीक है? अब बोलो सर, 4F जो है वो लैंथेनाइड के, मतलब लैंथेनम के बाद आता है ना? लैंथेनम के बाद आता है, करेक्ट सर. मतलब हम मतलब वो डी ब्लॉक के अंदर आता है, राइट? वो डी ब्लॉक के अंदर, करेक्ट. तो मैंने तुम लोगों को अभी तक बताया होगा शायद, आई डोंट रिमेम्बर अगर बताया कि नहीं. तो ये पूरा का पूरा 4F और 5F जो है, मैंने ये यहाँ पे ऐसे ही साइड में लिखा है. देखो मतलब ये कौन से ग्रुप में आएंगे, इसका ग्रुप नंबर क्या होगा? फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप एंड थर्ड ग्रुप, करेक्ट. तो ये टोटल 28 एलिमेंट्स जो है, और प्लस लैंथेनम और एक्टिनियम, ये सारे के सारे कौन से ग्रुप में आते हैं? तो ये सारे के सारे ग्रुप 3 में आते हैं, ठीक है? हम लोगों ने उसको वैसे ही सिचुएट किया है, ओके? तो पूरा का पूरा एफ ब्लॉक कहाँ पे आएगा? तो ग्रुप 3 में आने वाला है, ओके? तो ये एक ऐसा लेआउट है, तुम लोगों को ये ड्रॉ करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हम लोगों ने पहले से ऊपर ड्रॉ करके रखा है, ठीक है? तो मैं वापस तुम लोगों को ऊपर वाले पीरियोडिक टेबल पे लेके जा रहा हूँ, ठीक है? अब तुम लोगों को डी ब्लॉक या फिर पीरियोडिक टेबल का शेप ऐसा अजीब क्यों है वो समझ में आ गया होगा. हाँ, जिस दिन इंटरनेट अच्छे से चलेगा उस दिन हम लोगों का सेटअप हैंग होगा. बाय द वे, तुम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की रिवीजन करके आए हो ना? मतलब तुम लोगों ने लास्ट टाइम का वीडियो वापस देखा था जैसे मैंने बताया था, लेक्चर्स रिवाइज करके आया करो,
लास्ट लेक्चर में जो कुछ पढ़ा होगा वो एक बार देख लिया करो लेक्चर में आने से पहले, सो दैट तुम लोगों को कुछ डिफिकल्टी नहीं होगी समझने में. एंड देन लास्ट लेक्चर के आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं हमेशा. ओके तो यहाँ पे अभी हम लोग बहुत सारी चीजें ऐड करने वाले हैं, ठीक है? तो हम लोग कौन सी चीजें ऐड करने वाले वो देखते हैं जरा. सो स्क्रीन शेयर. ओके हाँ तो अब देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आती है जरा मुझे बताओ. हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आती है? 1s1 था बराबर. तो हाइड्रोजन के ग्रुप की मतलब पूरे ग्रुप वन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. कौन से बोल रहा हूँ? तो पूरे ग्रुप वन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे आएगी मालूम है? वो रहेगी NS1. करेक्ट. इनर्ट गैस मतलब जो कोई हाइड्रोजन के पहले कोई इनर्ट गैस आती नहीं है, तो हाइड्रोजन के केस में तुम लोग को इनर्ट गैस मेंशन करने की जरूरत नहीं है. और आगे आएगी NS1. परफेक्ट. ठीक है, ये N क्या डिनोट करेगा? तो ये पीरियड का नंबर डिनोट करेगा. फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड में, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1s1. लिथियम, लिथियम सेकंड पीरियड में है, तो इसकी आउटर मोस्ट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2s1. सोडियम इसका क्या हो जाएगा? तो 3s1. तो वैसे ही मुझे बताओ फ्रांशियम का क्या हो जाएगा? 7s1. 7s1. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानने के लिए एकदम मस्त शॉर्टकट है, लिख के रखना अच्छे से. ठीक है, मैं जरा जूम करके लिखता हूँ सो दैट मैं अच्छे से लिख पाऊंगा. अब अगर ग्रुप टू के लिए मैं बोल रहा हूँ, तो ग्रुप टू के लिए कैसे होगा? बेरिलियम की इधर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो क्या थी, NS2. हाँ, तो यहाँ पे आ जाएगा NS2, इनर्ट गैस और NS2. परफेक्ट. ठीक है, तो ये है बेरिलियम के लिए. ठीक है, अब डायरेक्ट हम लोग जाते हैं बोरॉन की तरफ, मतलब ग्रुप 13 पे. तो ग्रुप 13 के लिए आउटर मोस्ट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी बताओ? आउटर मोस्ट में कौन से इलेक्ट्रॉन्स थे, लास्ट में कौन से इलेक्ट्रॉन आए थे? तो देखो परफेक्ट, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 5. तो इसमें तुम लोगों ने अगर फिलिंग की होगी तो 1s2, 2s2, 2p1 ऐसे आया होगा. ठीक है, तो हम लोग लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं वो सारे के सारे मेंशन करने वाले हैं यहाँ पे. सो फॉर एग्जांपल, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे एक सेटिंग बार है जो मिल नहीं रहा है मुझे. कहाँ पे था वो? नहीं, लेट इट बी. व्हाट आई डिड, सेटअप हैंग हो गया आई गेस. जस्ट गिव मी अ मिनट. I am audible, right? Yes, sir. Okay. Okay, chalo. तो यहाँ पे कैसे होने वाला है? तो सबसे पहले तो ग्रुप वन के लिए हम लोग लिखेंगे NS1, ग्रुप टू के लिए हो जाएगा NS2. अब ग्रुप 13 के केस में ये कैसे हो जाएगा? तो ग्रुप 13 में
अगर तुम लोगों को बोरॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद है, बोरॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे थी, NH2, 2s2, 2p1, तो हम लोग ये पूरे आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन्स लेंगे, ठीक है, तो सारे के सारे अगर आउटर मोस्ट में लास्ट में फिल किए हुए इलेक्ट्रॉन्स हम लोग लेंगे तो 2s2 कॉमन रहने वाला है, तो ये रहेगा NH2 np1, ठीक है। तो ग्रुप 14 कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे आएगी, NH2 np2 np2, परफेक्ट। ग्रुप 15 का हो जाएगा NH2 np3 एंड यहाँ पे वापस फिर np4, NH2 में अभी लिख नहीं रहा हूँ, तुम लोग डेफिनेटली लिखना, एंड यहाँ पे हो जाएगा NH2 np6, ठीक है। अब स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जरा देखो, स्कैंडियम की कैसे लिख पाओगे तुम लोग, स्कैंडियम जो ग्रुप 4 में आता है उसको कैसे लिखेंगे हम लोग, ND1, ओके, ND1, सिर्फ ND1 लिखेंगे। अब फोर्थ पीरियड में स्कैंडियम का 3D था, फोर्थ पीरियड में स्कैंडियम में 3D था, परफेक्ट, तो परफेक्ट, N-1D1, बराबर। तो इसको हम लोग लिखेंगे NS2, क्योंकि उसमें 4s2 के इलेक्ट्रॉन्स है, अगर देखोगे स्कैंडियम में 4s2 था, आर्गन के बाद 4s2 था, उसके बाद N-1D1, ठीक है, समझा ये कैसे हुआ, स्कैंडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना, तुम लोगों को ऐसे कुछ लिखा हुआ दिखेगा, मैं यहाँ पे साइड में लिखा के दिखा रहा हूँ, स्कैंडियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसके ऐसे कुछ थी, आर्गन 4s2 3d1, तो 4 जो है तो स्कैंडियम के नंबर से, मतलब पीरियड के नंबर से मैच हो रहा है, और ये 3d है तो 3 मतलब 4 माइनस 1 करना पड़ेगा, तो इसलिए ये N-1D1, ठीक है। तो लाइकवाइज मैं तुम लोगों को वैनेडियम का भी लिख के दिखा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है, तो वैनेडियम का कैसे हो जाएगा बताओ, NS2 N-1D3, ओके। क्रोमियम के ग्रुप का, मतलब ग्रुप 6 का कैसे होगा, क्रोमियम का जरा देखो, ये एक्सेप्शनल था, मैंने तुम लोगों को लिखा के दिया था ये एक्सेप्शनल है, तो क्रोमियम के ग्रुप का देखो जरा, NS1 N-1D5, परफेक्ट, ठीक है। तो ये एक्सेप्शनल केस है, इसके बारे में भूलना मत। वैसे ही दूसरा कौन सा एक्सेप्शन है बताओ, दूसरा कौन सा एक्सेप्शन है, कॉपर, तो यहाँ पे आएगा NS1 N-1D10, ठीक है। तुम लोगों को यहाँ पे गिचड़े में लिखने की कुछ जरूरत नहीं है, मैंने जस्ट ये बताते वक्त अभी लिखाया है, अभी एकदम नीचे जाके अच्छे से नोट्स बना लेते हैं, चलो। तो तुम लोगों को एक जनरल आइडिया आ गई होगी, ठीक है। तो I hate this. तो हम लोग ग्रुप वाइज स्टार्ट करने वाले, सबसे पहले ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के बारे में लिखेंगे हम लोग। तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में कौन सा ब्लॉक आता है, तो स्क्रीन शेयर नहीं है, ओ हाँ, थैंक यू, नेक्स्ट ब्लॉक। तो हम लोग लिखने वाले हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तुम लोगों के सामने पीरियोडिक टेबल है ना, मतलब बुक में, तो उसका हम लोग यूज करेंगे अच्छा खासा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एस ब्लॉक के बारे में, ठीक है। तो एस ब्लॉक के केस में हमारे पास दो ग्रुप्स हैं, एक तो है ग्रुप 1 और दूसरा है ग्रुप 2, ठीक है। अब मुझे बताओ ग्रुप 1 के लिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने क्या बोला, इनर्ट गैस, ये भी हम लोगों को मेंशन करनी रहती है, NS1, और ग्रुप 2 के लिए हम लोगों ने क्या बोला, इनर्ट गैस NS2, ठीक है। तो इन दोनों के एग्जांपल लिख लेना जरा,
बताओ ग्रुप वन में किसका एग्जाम्पल ले, सोडियम से स्टार्ट करते हैं, मतलब जो हम लोगों ने पहले सॉल्व किए वो देखेंगे, फिर हम लोग अलग अलग एलिमेंट्स देखते जाएंगे, ठीक है। तो सोडियम का अगर तुम लोगों को पूछा तो सोडियम कौन से पीरियड में आता है ली ना, तो थर्ड पीरियड में आता है, ठीक है। थर्ड पीरियड में आ रहा है तो इसकी इनर्ट ग्रेस कॉन्फिगरेशन हम लोग बाद में लिखेंगे, पहले इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कैसे होगा एनएस वन के हिसाब से, थर्ड पीरियड से 3s1। अब थर्ड पीरियड के पहले आता है सेकंड पीरियड, और सेकंड पीरियड में कौन सी इनर्ट गैस थी, तो सेकंड पीरियड में इनर्ट गैस थी नियॉन। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नियॉन, याद रखो इनर्ट गैस हम लोगों को उसके पहले वाली लिखनी है, उस पीरियड के पहले वाली। तो नियॉन, नियॉन में हो गए टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स, और 3s1 में एक इलेक्ट्रॉन, तो सोडियम के पूरे 11 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। ये कैसे करना है समझ में आ रहे तुम लोगों को? और एक एग्जांपल अभी यहाँ पे देखते हैं नीचे, बेटा मांगे कन्या सुंदर, सुंदर लेते चलो। तो स्ट्रॉन्शियम, स्ट्रॉन्शियम का हम लोग एग्जाम्पल देखने वाले हैं। तो स्ट्रॉन्शियम के केस में ये कौन से पीरियड में आ रहा है, तो बेटा मांगे कन्या सुंदर, तो ये फिफ्थ पीरियड में आता है, याद रखो ये कौन से पीरियड में आएगा, फिफ्थ पीरियड। तो फिफ्थ पीरियड के अकॉर्डिंगली इसका कैसे होगा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा 5s2, ठीक है, क्या हो जाएगा 5s2। अब फोर्थ पीरियड में कौन सी इनर्ट गैस आती है, अगेन याद रखो तुम लोग क्रिप्टन, परफेक्ट। तो यहाँ पे हो जाएगा क्रिप्टन, ठीक है। तो तुम लोगों को फिफ्थ पीरियड के पहले कौन सी इनर्ट गैस आती है वो लिखना है। अगेन मैं तुम लोगों को बोल रहा हूँ, इसकी प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना ये इजी हो जाएगा धीरे धीरे। ये तुम लोगों को फर्स्ट टाइम है, थोड़ा भी ऐसे लग रहा होगा बिकॉज तुम लोगों को सारे न्यूमोनिक्स याद नहीं होंगे, ठीक है। अब सेकंड कौन सा ब्लॉक हम लोग लिखेंगे, तो सेकंड हम लोग लिखेंगे पी ब्लॉक। अब पी ब्लॉक में तुम लोगों ने एक चीज तो कॉमन नोटिस की ही होगी, पी ब्लॉक में एक चीज कॉमन कौन सी नोटिस की हम लोगों ने, तो एनएस टू तो हमेशा रहने ही वाला है, ठीक है। पी ब्लॉक में एनएस टू हमेशा रहने ही वाला है, और पी का नंबर 1 से लेके 6 तक चेंज होते जाएगा। मैं ऐसे ही लिख के दे दूंगा तो तुम लोगों को समझ में आ जाएगा क्या, कि मैं ऐसे लिख के दूं, ग्रुप 13 के लिए NP1, ग्रुप 14 के लिए NP2, ग्रुप 15 के लिए NP3। चलो वैसे भी लिख लेते हैं, लिख लेते हैं। तो ग्रुप 13, ग्रुप 13 के लिए कैसे हो जाएगा, ग्रुप 13 के लिए NS2 NP1। ग्रुप 14 के लिए कैसे हो जाएगा, ग्रुप 14 के लिए हो जाएगा NS2 NP2, ठीक है। तो वैसे ही ग्रुप 15, 16, 17 एंड 18, इनके लिए पी की वैल्यू धीरे धीरे चेंज होते जाएगी। तो यहाँ पे आएगा NP3, NP4, NP5 और NP6, ठीक है। इनर्ट गैस मेंशन करना मत भूलना, हाँ इनर्ट गैस रहने वाला है। तो अब अगर एग्जाम्पल में समझ लो हम लोगों ने ग्रुप 13 का फॉस्फोरस ले लिया, ठीक है। फॉस्फोरस क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों ने पहले सॉल्व किया है, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर रहता है 15। अब फॉस्फोरस के पहले कौन सी इनर्ट गैस आने वाली है, तो इसमें आने वाली है नियॉन। अब फॉस्फोरस कौन से पीरियड में आता है, तो ये आता है थर्ड पीरियड में, परफेक्ट। तो थर्ड पीरियड में ये एन की वैल्यू बन जाएगी 3, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, 3s2 3p1, ठीक है। तो यहां पे हम लोग ले रहे हैं जर्मेनियम लेके देखते हैं, ठीक है। अब जर्मेनियम के केस में, ठीक है, जर्मेनियम के केस में तुम लोग इसको पहले ये कौन से ग्रुप का है वो मुझे बताओ, ये कौन से ग्रुप में आता है जर्मेनियम, कौन से ग्रुप में आता है, केमिस्ट्री सर गिव्स, ठीक है। तो ये आता है फोर्थ पीरियड में, ठीक है। तो फोर्थ पीरियड में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे हो जाएगी सर, 4s2 कैसे आएगा ग्रुप 13 में, अरे मैंने ग्रुप 15 का एग्जांपल ले लिया था, ओके सॉरी सॉरी सर, एल्युमिनियम होना चाहिए, एल्युमिनियम लेंगे, चलो थैंक यू। तो मैंने ग्रुप 15 का एग्जांपल ले लिया, एल्युमिनियम एटॉमिक नंबर 13, ठीक है। तो जर्मेनियम, जर्मेनियम के केस में कैसे होगा, तो जर्मेनियम का फोर्थ पीरियड में रहता है, इसलिए 4s2 4p2, ठीक है। अब जर्मेनियम के पहले इनर्ट गैस कौन सी आएगी, थर्ड पीरियड में कौन सी इनर्ट गैस रहती है, परफेक्ट, तो आर्गन, ठीक है। तो अब ग्रुप 15, अब ग्रुप 15 का जरा देखते हैं, फॉस्फोरस का एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो कैसे होगा फॉस्फोरस, तो ये यहाँ पे कोई तो एक इनर्ट गैस रहेगी, उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे आएगी, NS2 NP2 NP3, तो क्या हो जाएगा 3s2 3p
3, ठीक है। और अब इनर्ट गैस हम लोग यहाँ पे कौन सी इंट्रोड्यूस करेंगे? नियॉन। परफेक्ट, नियॉन, ठीक है। तो ग्रुप 16 की तरफ जाते हैं, अब जरा बड़ा वाला एग्जांपल लेके देखते हैं, तो पोलोनियम लेके देखते हैं, ठीक है। तो ओ शिवा, सी द पॉट, ये आता है सिक्स पीरियड में। कौन से पीरियड में आएगा ये? तो सिक्स पीरियड में आएगा। तो सिक्स पीरियड में आने के बाद यहाँ पे NH2NP4 है, तो कैसे हो जाएगा? अंदर कोई तो एक इनर्ट गैस रहेगी, एंड यहाँ पे आएगा 6S2 6P4, ठीक है, 6S2 6P4। ये प्रैक्टिस के बाद तुम लोगों को और इजी होते जाएगा। तुम लोगों को जस्ट सारे निमोनिक्स याद रहने चाहिए। बोलो, थोड़ा स्लो जाओ, थोड़ा फास्ट हो रहा है। वही मैं बोल रहा हूँ, ये प्रैक्टिस कर तुम लोगों को होगा। अभी मैं कितना भी स्लो जाऊंगा ना, तुम लोगों को सारे निमोनिक्स अभी तक पूरे बाय हार्ट नहीं रहेंगे, सारे नोबल गैसेस बाय हार्ट नहीं होंगे। एंड अगेन, ये पार्ट तुम लोगों का स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स का है, तो वहां पे तुम लोगों की अच्छे से जब रिविजन होगी, यूजुअली मैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में क्या करता हूँ, तो सारे 118 एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन तुम लोगों को लिखने के लिए बोलता हूँ। तो उसके बाद ये तुम लोगों को बहुत ईजी लगेगा। अभी थोड़ा तुम लोगों को डिफिकल्ट लग सकता है, बट डोंट वरी, प्रैक्टिस के बाद ये बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो पोलोनियम, पोलोनियम का कैसे हो जाएगा? तो 6S2 6P4, ओके। अब फिफ्थ पीरियड में ज़ेनॉन आता है, करेक्ट। तो यहाँ पे आ जाएगा Xe। अब यहाँ पे ग्रुप 17 कौन सा एलिमेंट लेना है? तुम लोग बोलो, ब्रोमीन ले, ठीक है सर। तो ब्रोमीन, अब मुझे बताओ ब्रोमीन के केस में ये कौन से पीरियड में आएगा? फर्स्ट क्लास बिरयानी, तो ये आता है फोर्थ पीरियड में। कौन से पीरियड में आएगा ये? फोर्थ पीरियड। तो फोर्थ पीरियड के अकॉर्डिंगली यहाँ पे NH2NP5 कैसे हो जाएगा? 4S2NP5, परफेक्ट, 4S2 4P5, ठीक है। एंड अब आर्गन, परफेक्ट, ठीक है। एंड नोबल गैस ये तुम लोग खुद करना, मैं तुम लोगों को एग्जांपल दे रहा हूँ ज़ेरॉन का, ठीक है। तो ज़ेरॉन का खुद लिख दो। सोचो ज़ेरॉन कौन से पीरियड में आएगा एंड ऑल। तो हीना, नीना और करीना के ज़ेरॉक्स, ये कौन से पीरियड में आता है? तो ये फिफ्थ पीरियड में आता है। कौन से? तो फिफ्थ पीरियड। और फिफ्थ पीरियड में आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 5S2 5P6। और फोर्थ पीरियड में ज़ेरॉन के ऊपर जो गैस आती है वो, परफेक्ट, क्रिप्टन, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा क्रिप्टन, ओके। तो दैट्स इट, बहुत ईजी है। हाँ, डी ब्लॉक के हम लोग ज्यादा एग्जाम्पल्स एंड ऑल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज डी ब्लॉक बहुत ही बड़ा हो जाएगा, 10 ग्रुप्स, ठीक है। तो उसे हम लोग नहीं करेंगे, सिर्फ इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में तुम लोग को लिखा के देने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है। अगर तुम लोग को याद होगा NS1 और 2, यहाँ पे दोनों आते हैं, 1 और 2 यहाँ पे दोनों आते हैं, याद है। अगर तुम लोग क्रोमियम में देखोगे तो वहां पे S1 था, और उसी बदले वैनेडियम में देखोगे तो वहां पे S2 थे, मतलब S में एक इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है या फिर दो इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। एंड N-1 D 1 से लेके 10 तक कोई भी नंबर आ सकता है, बराबर। तो चलो देखते हैं। अगेन तुम लोगों को इसके लिए सिर्फ पीरियड के नंबर से याद रहने चाहिए, निमोनिक्स अच्छे से याद रहने चाहिए, आराम से हो सकते हैं, ठीक है। तो नहीं, हम लोग वो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते वक्त यूजुअली फॉलो करते हैं, बट अभी अगर मैं वो तुहीन बताते बैठूंगा ना तो बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। हम लोग जब प्रॉपर ब्लॉक्स पढ़ेंगे तब हम लोग उसे मेंशन करेंगे, अभी यहाँ पे मेंशन करने की जरूरत नहीं है। यूजुअली जब ब्लॉक्स पढ़ेंगे तब हम लोग देख लेंगे। तो चलो अब डी ब्लॉक के बारे में जरा देखते हैं। डी ब्लॉक के केस में कैसे होगा? तो N-1 2 2 एंड N-1 D 1 2 10, ठीक है। तो कोई एक एग्जांपल बताओ जो तुम लोगों को अच्छा लग रहा है, डायरेक्ट हम लोग एग्जांपल सॉल्व करते हैं। आयन सर, हम ग्रुप सेलेक्ट नहीं करने वाले। नहीं, वो एक एक करते बैठेंगे तो 10 बहुत हो जाएगा ना। तो इस डी ब्लॉक में ऑलमोस्ट हर ग्रुप का सिमिलर होता, मतलब देखते हैं। समझ गया मुझे, एग्जांपल्स के थ्रू भी समझ में आ जाएगा आपको। तो आयन, आयन अगर देखेंगे तो आयन कौन से पीरियड में आता है? तो ये फोर्थ पीरियड में आता है, ठीक है। अब इसका ग्रुप कौन सा है, आयन का ग्रुप कौन सा है बताओ? आयन आता है 8th ग्रुप में,
ठीक है, आयन कौन से ग्रुप में आएगा, तो एट्थ ग्रुप में आएगा, मतलब हम लोगों के पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है 8, तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे NS2 में, ठीक है, तो फोर्थ पीरियड मतलब ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इनर्ट गैस, हम लोग बाद में देखते हैं आयन कौन से पीरियड में आता है, तो आयन फोर्थ पीरियड में आता है, तो फोर्थ पीरियड के अकॉर्डिंगली इसका हो जाएगा 4s2, हमारे पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 8 इलेक्ट्रॉन मतलब 4s2, एंड n माइनस 1 d कितने आने चाहिए, 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन 4s में चले गए, तो कितने आएंगे, परफेक्ट, तो 3d 6, और फोर्थ पीरियड के पहले कौन सी नोबल गैस आती है, थर्ड पीरियड वाली, आर्गन, ठीक है, तो और कोई भी एक एलिमेंट बताओ, गोल्ड ले गोल्ड, ओके, क्रिप्टन, कौन सा बोला, ओके, गोल्ड ले लेते हैं आपके लिए, जरा नीचे वाले एलिमेंट्स लेते हैं ना, कॉपर के नीचे आ गया गोल्ड, तो वो लेते हैं, क्योंकि पहले 30 वालों का हम लोगों ने लिखा है पहले से, तो जरा अलग लेते हैं। अब गोल्ड कौन से फैमिली के नीचे आता है, तो पीतल, चांदी, सोना, याद रखना, पीतल, चांदी, सोना, ठीक है, तो ये कॉपर के नीचे आता है, बोलो सर, पीतल ब्रास होता है ना, है ना, मैंने निमोनिक्स बना दिया, ये मेरा खुद का बनाया हुआ है, तो डजंट मैटर, तो पीतल, चांदी, सोना, ठीक है, हम लोग बोलते वक्त ऐसे ही बोलते हैं, तो पीतल, चांदी, सोना, अब कॉपर, कॉपर की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी NS1 N-1d10, ठीक है, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये प्रैक्टिस के साथ ही तुम लोगों को याद होंगे, तो तुम लोगों को प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, बट ये ट्रिक तुम लोगों को बहुत काम आएगी, ठीक है, तो नोबल गैस के बारे में हम लोग बाद में सोचते हैं, ये कौन से पीरियड में आता है, तो कॉपर फोर्थ पीरियड, सिक्स पीरियड, परफेक्ट, तो सिक्स पीरियड के अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा, 6s1 और d 6 नहीं आएगा, सॉरी, तो 5d10 n-1d10, ठीक है, तो सिक्स पीरियड के पहले मतलब फिफ्थ पीरियड में कौन सी गैस आती है, ज़ेनॉन, तो यहाँ पे हो जाएगा ज़ेनॉन, ठीक है, अब याद रखो मैं अभी अगर तुम लोगों को जो बोल रहा हूँ वो फटाफट कैच नहीं हो रहा है, तो तुम लोगों के पास पीरियोडिक टेबल पहले से है, ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल ओपन करके भी तुम लोग रेफर कर सकोगे। मॉलिब्डेनम ले, मॉलिब्डेनम, एमओ, अब मॉलिब्डेनम कहाँ पे आता है, तो मॉलिब्डेनम आता है क्रोमियम के नीचे, कर, मनी, विड्रॉ, ठीक है, तो क्रोमियम, क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद है कैसे थी, NS1 तो अब मॉलिब्डेनम के केस में वापस इनर्ट गैस हम लोग बाद में सोचेंगे, कौन से ग्रुप में आ रहा है ये, क्रोमियम आता है फोर्थ पीरियड में, ये आता है फिफ्थ पीरियड में, तो 5, तो 5s1 n-1 करोगे तो 4d5, ठीक है, एंड 5 फिफ्थ पीरियड के पहले फोर्थ पीरियड में कौन सी नोबल गैस आती है, क्रिप्टन, क्रिप्टन, परफेक्ट, ठीक है, तो लिख लो ये एग्जांपल्स, और अभी मस्त में कैसे एक एक्सेप्शन लिखना, ठीक है, और हमारा एक्सेप्शन है पलैडियम का, ठीक है, हमारा एक्सेप्शन किसका है, तो पलैडियम का है, ये एक्सेप्शन तुम लोग वापस नेक्स्ट ईयर लिखोगे, और पलैडियम का आता है क्रोमियम 4d10 5s 4d कैसे आ रहे हैं, मैंने रॉन्ग लिखा है, नहीं नहीं यहाँ बराबर, तो पलैडियम है ना, नॉट प्लैटिनम, तो 4d10 क्रोमियम की क्रिप्टन 5s0 क्रिप्टन, क्रिप्टन मैंने KR लिखा है, क्रोमियम बोला होगा मैंने गलती से, ओके, तो क्रिप्टन 4d10 5s0, ठीक है, ये एक इकलौता इस पूरे ग्रुप में एक्सेप्शन है, ठीक है, जो तुम लोग नेक्स्ट ईयर डी ब्लॉक में भी पढ़ोगे, बट यहाँ पे मेंशन करके रखना, तो ये जनरल ट्रेंड को फॉलो नहीं करता। बाय द वे मुझे बताओ पलैडियम कौन से फैमिली में आता है, तो ये आता है निकल और प्लैटिनम के साथ, परफेक्ट, तो निकल पड़ला पाण्यात, ठीक है, निकल पानी में गिर गया, तो निकल पड़ला पाण्यात, और इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे है निकल की, NS2 N-1 d8, मतलब ये 4d8 5s0 5s02 ऐसे आना चाहिए, बट ये ऐसे ना आके उल्टा हो जाता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन डी में चले जाते हैं फॉर स्टेबिलिटी पर्पस, नथिंग एल्स, ठीक है, सो इट इज एन एक्सेप्शन, बोलो वो व्हाई डज ओनली पलैडियम डू लाइक दैट एंड नॉट निकल एंड प्लैटिनम,
वही एक्सेप्शन है, देयर इज नो रीजन, इट इज जस्ट अ एक्सेप्शन. वैसे तो ऑब्वियस है ये स्टेबिलिटी के लिए ही हो रहा है, यहाँ पे जाने के बाद ये स्टेबल हो जाएगा. निकल और प्लैटिनम ये नहीं करते, पलाडियम करता है. इट इज एन एक्सेप्शन, देयर इज नो रीजन फॉर इट. ओके एंड फाइनली एफ ब्लॉक के ऊपर हम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के क्वेश्चंस कभी नहीं पूछे जाते, उनके आयंस के बारे में हम लोगों को क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो इस टॉपिक में करना हमारे सिलेबस के टोटली बाहर का हो जाएगा. ठीक है, ये सारी चीजें भी हम लोगों को इतना तो नहीं है डीप डाउन जाके, बट स्टिल मैं इस चैप्टर में कवर करा रहा हूँ. बट फाइव एफ ब्लॉक के बारे में आयंस का करना वो हमारे सिलेबस के टोटली बाहर का हो जाएगा. तो अभी हम लोग सिर्फ इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने वाले. ठीक है, मैं तुम लोगों को टाइम दे दूंगा स्क्रीनशॉट लेने के लिए. अब एफ ब्लॉक इसका कैसे होता है, तो एफ ब्लॉक का ऐसे कुछ होता है, इनर्ट गैस. ठीक है, 4F 1 टू 14 5D 0 टू 1. अरे मैं 4F ऐसे क्यों लिख रहा हूँ, सॉरी ये मैं एक्चुअली लैंथेनॉइड्स का लिख रहा था, तो मुझे जनरल लिखना है ना. तो N माइनस 2 F 1 टू 14 N माइनस 1 D 0 टू 1 NS2. ठीक है, तो ये होती है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर F ब्लॉक, जिसके ऊपर क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं पूछे जाते हैं. तो ये जस्ट लिख के रखना है, ये तुम लोगों को याद रहना चाहिए. इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के क्वेश्चन आते नहीं है, बिकॉज इसका कोई एक स्पेसिफिक ट्रेंड नहीं है, ये अपने मर्जी के हिसाब से चलते हैं, तो हम लोग कभी इनको याद रखना नहीं है. ठीक है सर, इनमें NS1 भी नहीं आ सकता. अच्छे से स्क्रीनशॉट बना के रखना जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये तुम लोगों को अच्छे से आना चाहिए. प्रैक्टिस करके ये और इजीली हो जाएगा. देख लो, ये मैं तुम लोगों को आज क्वेश्चंस अपलोड कर दूंगा, वो क्वेश्चंस सॉल्व करना. सर डी ब्लॉक ग्रुप 3 से 12 तक रहेगा, तो उसमें ग्रुप 3 में ये एनएस ग्रुप 3 से 12 तक लेके ये NS1 और NS2 कैसे वेरी करेगा, मींस वो एक पर्टिकुलर ट्रेंड में ही रहेगा लाइक पहले. आई एम नॉट गेटिंग इट, सॉरी बोलो. ये फॉर्मूला है IG NS 1 2 और N माइनस 1 D 1 से लेके 10 तक. तो उसमें सब में ऐसे एक क्या बोलते हैं चेन ही रहेगा, NS1 पहले फिर NS2 NS1 पहले फिर NS2 ऐसे रिपीट होते जाएगा. हाँ हमेशा. सर स्क्रीन ब्लैकआउट हो गई. हाँ हाँ आई एम रिस्टार्टिंग इट. अल्टरनेट है NS1 एंड NS2. NS1 इज ओनली फॉर क्रोमियम एंड कॉपर राइट. हाँ क्रोमियम और कॉपर. अच्छा अल्टरनेट नहीं है वो सिर्फ क्रोमियम और कॉपर के लिए जो लिख के दिया है उतने के लिए ही है. ओके हाँ अभी समझा आपको क्या पूछना था. यस सर वही मैं पूछ रहा था. नहीं नहीं वो अल्टरनेट नहीं है, वो कुछ स्पेसिफिक जगह पे ही है. जस्ट अ मिनट लेट मी रिस्टार्ट इट. हाँ सर फिर गोल्ड के लिए हमने 6S1 क्यों लिखा, बिकॉज वो पूरे क्रोमियम के सॉरी कॉपर की पूरी फैमिली उसे फॉलो करेगी. सी हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल क्यों बनाया, बिकॉज एक ग्रुप में सारे एलिमेंट्स एक सेम ट्रेंड फॉलो करते हैं. ठीक है तो लाइक वाइज अगर कॉपर के केस में कहाँ पे गया वो, जस्ट अ मिनट. लाइक वाइज अगर कॉपर के केस में NS1 और N-1 D10 हो रहा है, कॉपर का कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था, तो कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी आर्गन 4S1 3D10. ठीक है तो ये नीचे वाले भी वही ट्रेंड फॉलो करेंगे. यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रिप्टन 5S1 4D10. तो वैसे उसके नीचे वाला, अच्छा ये मैंने गोल्ड लिखने के बदले वापस कॉपर लिख दिया था. तो सिर्फ NS1 हाँ ये दो ही ग्रुप के लिए ही है. ग्रुप 7 और ग्रुप 12 में, बाकी सब में NS2 ही आएगा. ग्रुप 6 और ग्रुप 11 के लिए. हाँ या ग्रुप 6 हाँ तो करेक्ट. तो ग्रुप 6 और ग्रुप 11 के लिए ये ट्रेंड फॉलो होगा, NS1 N-1 D10
और यहाँ पे NS1 N-1 D5 का, बस बाकियों के लिए नहीं। इसलिए मैंने ये दो ही एग्जाम्पल ज्यादा ले लिए, ये एक्सेप्शनल केस में आते हैं स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है। और ये एक्सेप्शन निकला था जो ग्रुप 8 का है, सॉरी ग्रुप 10 का है, वो मैंने लिखा के दे दिया है, ये ग्रुप 10 का था, ठीक है। तो ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तुम लोगों ने। हाँ, अभी इतने पार्ट का ले लो। सर मैंने हाँ, आपको व्हाट्सएप पे पूछा था कि वो निखिल की फैमिली कैक्टस फैमिली नहीं है तो क्या है? निखिल की फैमिली कैक्टस फैमिली नहीं बोलते उसे, as everything is a कैक्टस फैमिली। हाँ, but we can't assign them any names ना। हो सकता है, I have to check उसको, मुझे लगता है। तो आपने कहाँ पे पढ़ा है क्या कि इसे हम लोग कैटलिस्ट फैमिली बोलते हैं? निकल फैमिली को। No sir, I just observed क्योंकि हाँ, but ना 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 सी, all D block elements are used as a catalyst, ठीक है? वो अलग अलग reactions में अलग अलग जगह पे use होते हैं। अभी अभी तक हम तो आपके syllabus में सिर्फ निकल के फैमिली के आ गए हैं, but सारे के सारे D block elements जो है वो एज अ कैटलिस्ट हम लोग यूज कर सकते हैं, और बहुत जगह पे उनका यूज होता भी है। तो स्पेसिफिक निकल की फैमिली नहीं है, बाकी की भी है। हम लोग उनको असाइन नहीं कर सकते नाम, जो पहले से असाइन है वही हम लोग को स्टडी करने हैं। ओके सर। ओके, तो हो गया होगा तुम लोगों का ये लिख के। अभी हम लोग देखने वाले हैं, सर एक IUPSC। ओके एक मिनट, IUPSC नॉमेनक्लेचर ऑफ elements having atomic number मतलब z greater than 100, ठीक है। 100 से ज्यादा atomic number रहने वाले elements के लिए IUPAC ने एक methodology दी थी कि इनके हम लोगों को nomenclature कैसे करने हैं। ओके, ले लो स्क्रीनशॉट और ऊपर जाने हैं, कितना sufficient है? Sufficient। ओके सर, हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ किसी भी एलिमेंट का पोजीशन डिटरमाइन कर सकते हैं ना? कर सकते हैं, इसके बाद हम लोग वहाँ पे ही जाने वाले हैं, वही करने वाले हैं। ओके, तो IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100। अब हुआ क्या था, एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100 वाले जो एलिमेंट्स है वो मैनमेड है, सारे के सारे मैनमेड नहीं है, कुछ नेचुरली एग्जिस्ट कर सकते हैं बट ऑलमोस्ट ऑल आर मैनमेड, ठीक है। अब अगर मैंने खुद का एलिमेंट बनाया तो मेरा मन करेगा कि उसको मेरा नाम दे दूं, शिवोमियम, ठीक है, हो सकता है ना, क्यों ना रखूं मैं। तो अब मैं अगर डिस्कवर कर रहा हूं तो मैं मेरा नाम रखूंगा, वैसे किसी और साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया तो कोई और साइंटिस्ट उसका नाम रखेगा। बट अगर समझो एक ही एलिमेंट एक ही टाइम पे दो जगह पे डिस्कवर हो गए तो फिर कहां पे किसका नाम जाएगा, उसके ऊपर झगड़े होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और ऐसे झगड़े होना स्टार्ट हो गए थे कि फॉर एग्जांपल यूएस बोल रहा है कि हम लोगों ने डिस्कवर किया, जापान बोल रहा है हम लोगों ने डिस्कवर किया, तो वो किसने फर्स्ट डिस्कवर किया था और सच में डिस्कवर हुआ है कि नहीं एलिमेंट, वो जब तक डिस्कस नहीं हुआ था या फिर कंफर्म नहीं हुआ था तब तक एटॉमिक नंबर सॉरी नाम असाइन करने के लिए IUPAC ने एक अपनी खुद की मेथड बनाई थी, ठीक है। तो IUPAC ने क्या बोला, हम लोग उनके नंबर वाइज उनको नाम देंगे, ठीक है। तो नंबर एंड उस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं उसके अकॉर्डिंगली, ये ग्रीक अल्फाबेट थे आई गेस, तो ग्रीक अल्फाबेट के अकॉर्डिंगली हम लोग उसको यूज करने वाले हैं। तो नंबर अगर समझो जीरो होगा तो जीरो को हम लोग बोलेंगे निल, क्या बोलेंगे, तो निल। नंबर अगर वन होगा तो उससे हम लोग बोलेंगे अन। नंबर अगर टू होगा तो उसे हम लोग बोलेंगे बाय। नंबर अगर थ्री होगा तो उसे हम लोग बोलेंगे ट्राई। नंबर अगर फोर होगा तो इसे हम लोग बोलते हैं क्वाड, ठीक है। नंबर अगर फाइव होगा तो क्या बोलेंगे, पेट, पेंट। सिक्स होगा तो इसे हम लोग बोलेंगे हेग्स, हेप। ओके, am I audible? Yes sir. ओके, तो नंबर नंबर को हम लोग कौन सा वर्ड यूज करते हैं वो, ठीक है, एंड बाद में उस नंबर के लिए हम लोग कौन सा सिंबल यूज करते हैं, ठीक है। तो सिंबल जो है वो
उसके वर्ड का फर्स्ट अल्फाबेट है, ठीक है? तो निल के लिए एन, वन के लिए यू, टू के लिए बी, थ्री के लिए टी, फोर के लिए क्यू, फिफ्थ के लिए पी, अब सिक्स के लिए एच, सेवन के लिए एस, एट के लिए ओ और नाइन के लिए ई, ठीक है? अब नाइन को हम लोग यूजुअली नॉन बोलते हैं, तुम लोगों ने अगर सोच देखा होगा तो नाइन को हम लोग नॉन बोलते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने एन यूज करने का रीजन क्या है, ये अलग लैंग्वेज से हम लोगों ने एन उठाया था। अब एन यूज करने का रीजन क्या है, अगर तुम लोग नॉन लेते तो नॉन के लिए सिंबल क्या यूज करना पड़ता, एन, और ये सेम एन हम लोगों ने पहले से जीरो के लिए यूज कर लिया था, ठीक है? तो इसलिए हम लोग नाइन को क्या बोलेंगे, एन बोलेंगे। अब इसका यूज कैसे होता है, तो देखो अगर समझो तुम लोग गुंग ने डिस्कवर किया 101 एलिमेंट, या फिर तुम लोगों को किसी थीसिस के लिए या फिर कुछ रिसर्च के लिए 101 एलिमेंट का मेंशन करना है, ठीक है? तो इसका नाम तुम लोग कैसे लिखोगे, तो तुम लोग वन को क्या बोलोगे, वन को हम लोग बोलेंगे अन, ठीक है? तो वन को हम लोग बोलेंगे अन। वापस फिर जीरो आया तो जीरो को हम लोग क्या बोलेंगे, निल, तो अन निल। वापिस वन आया तो वापिस वन को हम लोग क्या बोलेंगे, अन, ठीक है? और बाद में एंडिंग के लिए हम लोग ऐड करेंगे आई यू एम, क्रोमियम, ऑरम, पोटेशियम, बाद में बहुत सारे, अभी मुझे वो मेटल्स के नाम याद नहीं आ रहे फटाफट, बट यूरेनियम, प्लूटोनियम, ठीक है, गैडोलिनियम, हॉफमियम, अमेरेसियम, क्यूरियम, हर एक की एंडिंग हम लोग मोस्टली एलिमेंट्स की एंडिंग किससे करते हैं, तो वाई यू एम से करते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे भी हम लोग एंडिंग किससे करेंगे, तो आई यू एम से ही करेंगे, तो अन निल अन्नियम, ठीक है? अब इसका अगर तुम लोगों को सिंबल पूछा तो तुम लोग क्या करोगे, वन के लिए कौन सा सिंबल है, तो यू है, जीरो के लिए कौन सा है, तो एन है, एंड अगेन वन के लिए कौन सा है, तो यू है, तो यू एन यू, ऐसे इसका सिंबल हो जाएगा। मेथड समझ में आई? तो और एक एग्जांपल लेके देखते हैं। समझो तुम लोगों को बोला 106 के लिए, तो मुझे बताओ इसका नाम कैसे लिखोगे, अनिल हेक्सियम, परफेक्ट, अन निल हेक्सियम, ठीक है? एंड इसका सिंबल कैसे होगा, यू एन एच, ठीक है, करेक्ट है। अब लाइकवाइज अगर तुम लोगों को 102 बोला तो यहाँ पे क्या करोगे, अन निल बायम, निल बीएम, परफेक्ट। तो यहाँ पे याद रखो बीबीएम ऐसे मत करना, या फिर कुछ डबल आई लिखने की गलती मत करना, हम लोग यूजुअली दो वॉवेल सामने सामने लिखते नहीं है, तो जब बी या फिर ट्राई ऐसे लिखना होगा तो हम लोग एक आई कैंसिल आउट कर देंगे, लिखेंगे नहीं, ठीक है? तो यहाँ पे हो जाएगा यू एन बी। अब अगर समझो तुम लोगों को 113 बोल दिया तो क्या होगा, अन थ्रीएम, थ्रीएम, परफेक्ट, ठीक है, एंड यू यू टी, करेक्ट। तो कुछ एलिमेंट्स के बारे में तुम लोग ही लिख लो, ये तीन तुम लोग सॉल्व कर देना, ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस कभी कुछ पूछे गए हैं नहीं, बट स्टिल इट इज देयर इन आवर सिलेबस, क्वेश्चन कब किधर से आ जाए यू नेवर नो, ठीक है? तो लिख लो, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, तो बताओ इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की कोशिश करना, सोचते बैठना, ठीक है? अभी नहीं जम रहा है तो होमवर्क में लिखना इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पूरे लिखने की जरूरत है नहीं। ओके, तो लिख के हो गया होगा तुम लोगों का, इसकी मैं तुम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता देता हूँ, ठीक है? तो 117 याद रखो ये आएगा सेवेंथ पीरियड में, ठीक है? इसका ग्रुप कौन सा रहेगा, इसका ग्रुप रहेगा 17, तो 17 ग्रुप मतलब पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे इनर्ट गैस जो कोई रहेगी सिक्स ग्रुप की, एंड फिर सेवेंथ ग्रुप में, सॉरी सेवेंथ पीरियड में 17th ग्रुप, तो 17th ग्रुप का रहता है NH2NP5, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग कैसे लिखेंगे, 7S2 7P5, और इनर्ट गैस यहाँ पे कौन सी आएगी, रेडॉन, परफेक्ट, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग रेडॉन 7S2 7P5 ऐसे लिखेंगे, ओके? तो ठीक है, अब जरा और आगे बढ़ते हैं।
ये बहुत सिंपल टॉपिक था, तुम लोगों का लिख के हो गया क्या ये सब कुछ, ये लिखना बाकी है किसी का? यस सर, हो गया। यस सर। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद वाला जो टॉपिक है वो जरा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर के ऊपर क्वेश्चंस बहुत कम पूछे जाते हैं या फिर पूछे भी नहीं जाते हैं, बट अभी वाला जो है वो पूछे जाते हैं। तो प्रेडिक्शन ऑफ, प्रेडिक्शन ऑफ ग्रुप पीरियड एंड ब्लॉक फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है? तुम लोगों को एग्जाम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे देंगे एंड फिर बोलेंगे इसका ग्रुप फाइंड आउट करो, पीरियड फाइंड आउट करो और ब्लॉक फाइंड आउट करो। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, तो इसके बारे में जरा देखते हैं। अब सबसे पहले पीरियड और ग्रुप, सॉरी पीरियड और ब्लॉक, ये फाइंड आउट करना बहुत ईजी है, ठीक है? तो पीरियड हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो पीरियड फाइंड आउट करने के लिए हम लोग देखेंगे हाइएस्ट वैल्यू ऑफ एन, ठीक है? तो जो सबसे बड़ा नंबर तुम लोगों को दिखेगा खत्म, वो हम लोगों का पीरियड होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन देखना है, तुम लोगों को पीरियड एकदम इजीली मिल जाएगा। मैं तुम लोगों को पहले रूल्स लिखा के दे रहा हूँ, एग्जाम्पल्स बाद में हम लोग कर लेंगे। एंड उसी बदले अगर तुम लोगों को ब्लॉक फाइंड आउट करना है, तो ब्लॉक हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? उसके लिए हम लोगों को देखना पड़ेगा कि जो इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन हम लोग जो ऐड करेंगे वो कौन से ऑर्बिटल में जा रहा है, ठीक है? तो इट इज द लास्ट इलेक्ट्रॉन, सॉरी, इट इज द ऑर्बिटल इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इज एडेड, ठीक है? तो ये हो गए पीरियड और ब्लॉक के लिए, जो बहुत इजी है। अब हम लोग जरा ग्रुप की तरफ जाने वाले हैं, ठीक है? अब ग्रुप में तुम लोगों को अलग अलग ग्रुप्स के लिए अलग अलग रूल्स हैं, वो याद रखने हैं। तो समझो कि पहले, सबसे पहला कौन सा ग्रुप आएगा, तो एस ब्लॉक के लिए आने वाला है, ठीक है? तो एस ब्लॉक के लिए कौन से ग्रुप रहते हैं? तो एस ब्लॉक के लिए दो ग्रुप रहते हैं, एक रहता है ग्रुप नंबर वन और दूसरा रहता है ग्रुप नंबर टू। अब तुम लोगों को इतना तो याद रहना चाहिए, मुझे बताओ ग्रुप वन और ग्रुप टू की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या थी? NS1 और NS2। अगर तुम लोगों को एंडिंग में S1 दिखा, S1 दिखा मतलब ग्रुप वन, अगर तुम लोगों को एंडिंग में S2 दिखा तो S2 मतलब ग्रुप टू। समझ में आई ये लॉजिक? यस सर। ओके, अब सेकंड पे जाते हैं। सेकंड में पी ब्लॉक आने वाला है, ठीक है? तो पी ब्लॉक के लिए रूल क्या है मालूम है? पी ब्लॉक के लिए 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पी ऑर्बिटल, 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी ऑर्बिटल। ऐसा क्यों? अगर समझो किसी एक एलिमेंट की, समझ लो ये एक्स एलिमेंट है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने तुम लोगों को बोली आईजी इनर्ट गैस इनटू NS2 तो रहता ही है और NP3 है, ठीक है? मतलब ये P3 में चला गया, तो तुम लोगों को ये लास्ट नंबर कौन सा दिखा? तो थर्ड दिखा। P में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? तो तीन इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तीन इलेक्ट्रॉन मतलब ये कौन से ग्रुप में आना चाहिए, क्या लगता है? तो जरा ऊपर जाके, मैं ऊपर जाऊंगा तो ये जरा ये हो जाएगा। हाँ, तो याद रखो पीरियोडिक टेबल सामने रखना, सबसे पहले दो एस ब्लॉक के ग्रुप आते हैं, एस ब्लॉक के बाद बीच में कितने ग्रुप आते हैं बताओ जरा? दो ग्रुप, उसके बाद पी ब्लॉक के, सॉरी पी ब्लॉक नहीं, उसके बाद डी ब्लॉक के आते हैं 10 ग्रुप। तो इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा ना रे, तो अपने पास 12 ग्रुप्स हो गए, तो 12 ग्रुप्स पहले आएंगे, उसके बाद पी ब्लॉक स्टार्ट होता है, ठीक है? तो इसलिए हम लोगों ने 12 ऐड किया, इसलिए हम लोगों ने क्या ऐड किया, तो 12 ऐड किया, ठीक है? तो याद रखो हम लोगों को पी ब्लॉक के लिए अगर ग्रुप फाइंड आउट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दैट ऑर्बिटल, ठीक है? तो ये लिख लो, हम लोग इसके एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो तुम लोगों को अच्छी आइडिया आ जाएगी। अब इसके बाद आता है डी ब्लॉक। अब मुझे बताओ डी ब्लॉक के लिए कौन सा रूल होना चाहिए? दोनों ऊपर वाले। अच्छा हाँ, ये इतना ही बाकी है ना, मतलब मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ।
कनेक्टिव खराब है, रुको रुको स्क्रीन शेयरिंग। थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग। एंड तो लेट्स कंटिन्यू। अब एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बाद दूसरा कौन सा आने वाला है? तो अभी आने वाला है डी ब्लॉक। डी ब्लॉक के लिए कोई रूल बताना चाहेगा कि कौन सा रूल आ सकता है? पी ब्लॉक पे तुम लोगों को एक आइडिया आ गई होगी। परफेक्ट, करेक्ट है। तो डी ब्लॉक के लिए क्या करेंगे? डी ब्लॉक के पहले आता है सिर्फ और सिर्फ एस ब्लॉक, ठीक है? तो एक एस ब्लॉक में सिर्फ दो ही ग्रुप रहने वाले, तो इसमें क्या हो जाएगा? टू प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देन डी ऑर्बिटल, दैट्स इट, नथिंग एल्स, ठीक है? एंड फाइनली फोर्थ वन इज एफ ब्लॉक। अब मुझे बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में गया तो तुम लोग कौन सा ग्रुप बोलोगे? देखते तुम लोगों को कितना याद है। एफ ब्लॉक के लिए ग्रुप थ्री, ग्रुप थ्री, परफेक्ट। याद रखो, मैंने तुम लोगों को ऊपर ही बताया सारे के सारे एफ ब्लॉक के एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट रहते हैं ग्रुप थ्री में, करेक्ट। एंड लास्ट टाइम मैंने तुम लोगों को बताया था कि इसके लिए और एक मस्त शॉर्टकट है। क्या करना है? 57 से लेके 71 तक, 57 से लेके 71 तक, और दूसरा 57 प्लस 32 इज 89 से लेके 103 तक, ये सारे के सारे जो है वो प्रेजेंट रहने वाले ग्रुप थ्री के अंदर, ठीक है? तो ये कहाँ से कहाँ पर है? ये जो 57 से 71 है वो है ल्यूटेटियम से लेके लैंथेनम से लेके ल्यूटेटियम तक, और ये एक्टिनियम से लेके लॉरेंसेनियम तक, ठीक है? तो ये इतना नंबर तुम लोग को याद हो गया। इसके ऊपर क्वेश्चन भी बहुत इजीली वो पूछ सकते हैं, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, ठीक है? अगर तुम लोग खुद से वापस रीड करोगे, पीरियोडिक टेबल खुद से समझने की कोशिश करोगे तो ये कंफ्यूजिंग है। अगर किसी ने बताया नहीं होगा तो तुम लोगों को बिल्कुल नहीं समझ सकता, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है? बट ये अगर नंबर सिंपली तुम लोग को याद है तो तुम लोग इसको चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। लिख लो ये, फिर हम लोग थोड़े एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे। सर एफ ब्लॉक का क्या है? क्या ग्रुप थ्री? ओके हाँ, अरे वो पूरे ग्रुप थ्री वाले एलिमेंट्स जो है वो एफ ब्लॉक के ही रहते हैं, मतलब ये 30 एलिमेंट्स सारे के सारे ग्रुप थ्री में आते हैं। अभी बोलो, दूसरा कोई बोल रहा था। सर मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं, मतलब ऐसा होता है क्या कि ग्रुप थ्री के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सारे एफ ब्लॉक के कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगे? हाँ ऑलमोस्ट, उसमें डी ब्लॉक का कुछ कैरेक्टरिस्टिक बचा है। स्कैंडियम और येट्रियम भी होता है एफ ब्लॉक वो? हाँ वो अलग करके, मतलब वो छोड़ के, इनमें नीचे की तरफ सिर्फ वो 30 एलिमेंट्स पूरा एफ ब्लॉक इन्वॉल्व है। हम लोग पढ़ेंगे हर एक के अलग अलग प्रॉपर्टीज पढ़ने ही वाले आगे, अभी ये जस्ट हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन का देख रहे हैं। प्रॉपर्टीज जब आएंगे तब तुम लोगों को सारे ग्रुप्स की प्रॉपर्टीज अलग अलग समझ में आ जाएंगी, डोंट वरी। सॉरी मुझे लगा वीडियो ऑफ है। तो लेट्स कंटिन्यू, आगे बढ़े, लिख के हो गया। हाँ ठीक है, एग्जांपल्स होने के बाद हम लोग ब्रेक ले लेंगे। सो मैंने चैट पे डाला कुछ। वही देखा, वही देख के मैंने बोला। नहीं सर ब्रेक नहीं मांगा। Is it somewhat related to quantum numbers? अरे ये सब quantum numbers का ही तो है खेल। हम लोगों ने जो structure of atoms में पढ़ा है तो वही हम लोग यहाँ पे use कर रहे हैं, apply कर रहे हैं। एंड जिनका structure of atoms पढ़ के नहीं हुआ है, हम लोग last time एक घंटा क्यों ना हो, हम लोगों ने एक अच्छी idea दी है तुम लोगों को, तो please revise करो उस concept को।
वही सफिशियंट है इस चैप्टर में, जितना रिक्वायर्ड है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स का पार्ट, वो सब कुछ मैंने तुम लोगों को बता दिया है, वो वापस एक बार वीडियो में देख लेना। वीडियोस हमेशा देखा करो लेक्चर होने के बाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ऐसा चांस तुम लोगों को बाद में कभी मिलेगा नहीं, ठीक है? ऑफलाइन स्टार्ट होने के बाद कहाँ किधर तुम लोगों को वीडियोस मिलने वाले हैं, अभी अपॉर्चुनिटी है, सीज कर लो एंड तुम लोगों के लिए अच्छा है ये। सो लिख के हो गया होगा तुम लोगों का, जरा एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो एग्जाम्पल्स अब फर्स्ट इज, हम लोग एक टेबल बना देते हैं पहले, समझ। यहाँ पे पीरियड है, यहाँ पे तुम लोगों को ब्लॉक लिखना है और यहाँ पे तुम लोगों को ग्रुप लिखना है। ऐसे एक टेबल बना लो, इजी हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करना। तो 1s2 2s2 2p1, ठीक है? अब मुझे बताओ यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है? 2। तो वो हो जाएगा तुम लोगों का पीरियड, ठीक है? अब मुझे बताओ यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में घुसा है? लास्ट इलेक्ट्रॉन पी, तो वो हो जाएगा तुम लोगों का ब्लॉक, ठीक है? अब लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में है, पी के लिए रूल क्या है? 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बताओ 12 प्लस कितने करोगे? 12 प्लस 1 13। खत्म। समझा ये कैसे करना है? और एग्जाम्पल लेंगे, देखो एग्जाम्पल जितने सॉल्व होंगे उतना तुम लोगों को समझ में आएगा, डोंट वरी। ये ऐसे एग्जाम्पल्स पूछे जा सकते हैं जिसमें तुम लोगों को कंफ्यूजन होगा। अब इसमें तुम लोगों को कंफ्यूजन अच्छा खासा होगा, देखते हैं। अब मुझे बताओ सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 4। तो ये हो गया तुम लोगों का P ब्लॉक। लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में घुसा है? S नहीं, ये D में है। देखो D में एक्चुअल में कैसे रहता है, ये ऑफवॉस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर हम लोग जाएंगे तो पहले फिलअप होता है 4s और उसके बाद आता है 3d, याद है? तो ये लिखते वक्त तुम लोगों को ऐसे उल्टा स्विच करके दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये थर्ड शेल है, वो पहले हम लोग लिख सकते हैं और फोर्थ बाद में आ सकता है। तो ये कंफ्यूजन करने के लिए ऐसे लिखा के देंगे तुम लोगों को, कंफ्यूज मत होना। लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है, तो ये कौन से ब्लॉक में आएगा? डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक। एंड डी ब्लॉक के लिए रूल क्या है हम लोगों का ग्रुप के लिए? रूल कौन सा है? 2+ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यस, सेवन। तो बताओ क्या? 7, परफेक्ट, ठीक है? अब और एक कंफ्यूजिंग एग्जांपल देता हूं मैं तुम लोगों को। So this element is क्या बोलते हैं? Manganese. This is manganese. हाँ. But ये तो krypton के बाद वाले period में है ना, कि krypton के period. नहीं krypton के बाद नहीं, krypton के period में आएगा ये, argon के बाद वाले period में आएगा ये। अब अच्छे से देखो ये ऐसे कुछ दिख गया तो तुम लोगों को वो direct strike हो जाना चाहिए कि अरे ये तो अपना कौन सा element है? Chromium. हाँ, तो बस खत्म। उसके बाद तुम लोग बाकी अपने रूल्स अपने आप अप्लाई कर सकते हो। कौन सा पीरियड? तो फोर्थ पीरियड। कौन सा ब्लॉक? तो डी ब्लॉक। बट यहाँ पे 5+2 मत करना, 5+2 करोगे तो आंसर रॉन्ग चला जाएगा। क्यों? क्योंकि क्रोमियम में एक s इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है, ठीक है? तो ये एक्चुअल में रहना क्या चाहिए था? 3d 4। तो 4+2 करना पड़ेगा, यहाँ पे आ जाएगा 6, ठीक है? तो एक्सेप्शन से भरा पड़ा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बोलो सर, क्या हम रूल चेंज कर सकते हैं डी ब्लॉक के लिए? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एस प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एस ऑर्बिटल एंड प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिटल। हां, यू कैन, वो भी इजी हो जाएगा, चलेगा। मतलब ये इनके एडिशन कर दो, एक्सेप्शन के लिए भी लाइक अप्लाई हो पाएगा। करेक्ट। नहीं, मैंने जो तुम लोगों को रूल्स लिख के दिए है ना, मतलब वो तुम लोगों को टेक्स्ट बुक में भी दिख जाएंगे इसलिए। बट हाँ, ये एक्चुअली तुम लोगों को और इजी गिरेगा। तो यू कैन अप्लाई इट, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे मुझे बताओ कौन सा पीरियड आएगा? फिफ्थ पीरियड। फिफ्थ
पीरियड. ये एक्चुअली ट्रिक अच्छी है, मतलब डायरेक्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दो, इजी रहे तुम लोगों को, तो पीरियड में 5 आ जाएंगे. अब मुझे बताओ ब्लॉक कौन सा आएगा यहाँ पे. ब्लॉक डी ब्लॉक ही आएगा, ठीक है. बिकॉज पहले हम लोग 5s फिल करेंगे, उसके बाद 4d की तरफ जाएंगे. ओके, तो डी ब्लॉक एंड दोनों को ऐड कर दो, तो 10+2 कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे. अच्छी ट्रिक है ये. तो आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ एग्जाम्पल और एक लेके देखते हैं. एक्सी 4f7 5d1 6s2. चलो बताओ कौन सा पीरियड है, वो कौन सा पीरियड. सिक्स पीरियड. कौन सा ब्लॉक. F block. और कौन सा ग्रुप. ग्रुप 3. 9. बस खत्म, ठीक है. तुम लोगों को सिर्फ इतना ही याद रखना है. नहीं नहीं, 9 कुछ नहीं है यहाँ पे. F block मतलब थ्री में ही होता है. ग्रुप 3 में ही सारे के सारे F block के एलिमेंट्स आ जाएंगे. इसमें हम लोगों को कुछ एडिशन करनी ही नहीं है. पूरा लैंथेनम से लेके ल्यूटेरियम तक, एक्टिनियम से लेके लॉरेंसेनियम तक, सारे के सारे एक ही ग्रुप में आते हैं. ओके, एक लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं. समझो तुम लोगों को ऐसे कुछ दिया, एक्सी 4f14 5d0 6s2 6p1. तुम लोगों को कंफ्यूज करने के लिए वो कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है. अब मुझे बताओ कौन सा पीरियड. सिक्स पीरियड. कौन सा ब्लॉक. F block. इनकम्प्लीट कौन है. इनकम्प्लीट वाले में लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है. ये पूरा फील्ड है ना, तो इसमें किधर जाएगा, नहीं जा सकता. तो ठीक, करेक्ट. अब आगे ग्रुप कौन सा आएगा. ग्रुप 13, ठीक है, करेक्ट. बाय द वे मैंने एक यहाँ पे मिस्टेक किए, ये 10 आना चाहिए. हाँ, नाउ दिस इज करेक्ट. पहले मैंने गलत लिखा था, वो 0 सिर्फ लिख दिया था मैंने. तो हाँ, तो ग्रुप 13, चलो लिख लो ये. तुम लोगों को असाइनमेंट में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है, तभी सॉल्व कर लेना. और बहुत बड़ा है, अभी तक हम लोग जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं. अभी तक हम लोग ने मेन पार्ट तो स्टार्ट किया ही नहीं. अरे सॉरी, ये क्रिप्टन मत लिखना, ये आर्गन लिख दो. सर मुझे ग्रुप नंबर कैसे ढूंढना होता है वो अभी तक नहीं समझा. अरे देखो, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में चला गया तो ये जो 1 है उसमें ऐड करना है 12. अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर डी में जा रहा है तो डी के इलेक्ट्रॉन और एस के इलेक्ट्रॉन दोनों को ऐड कर दो, तो 5+1 कितना हो जाएगा, तो 5+1 हो जाएगा 6. ठीक है. अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में जा रहा है, एस ब्लॉक के लिए मैंने कोई एग्जाम्पल लिया ही नहीं है ना, तो एस ब्लॉक का एक एग्जांपल देता हूं. अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में चला गया तो एस का जो नंबर है वही ग्रुप का नंबर हो जाएगा, ठीक है. एंड एफ ब्लॉक सबसे इजी है. अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में जा रहा है, या एफ हाफ फिल्ड है या फिर इनकम्प्लीटली फिल्ड है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन मतलब एफ में चला गया, मतलब तो एफ, हाँ, तो सिर्फ 3 ही आएगा. एफ के लिए सबसे इजी है, बाकियों के लिए तुम लोगों को एस ब्लॉक के लिए जो नंबर है वही लिखना है. पी ब्लॉक में 12 ऐड करना है और डी ब्लॉक में सारे के सारे डी के और एस के इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने हैं. दैट्स इट. तो करो ये सॉल्व जरा, 3 एग्जांपल्स जो दिए.
ओके आंसर्स क्रॉस चेक कर लेना. करेक्ट है तो इनकरेक्ट आंसर है. खत्म. तुम लोगों को सिर्फ ऊपर वाले रूल्स याद रखने. दैट्स इट. लिख के दिया था ना वो एग्जाम्पल दिया था तो ये एक्सेप्शनल है. तो और एक टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है. फिल इन द ब्लैंक्स और कुछ नहीं. ठीक है नीचे ऑप्शंस रहेंगे वो ऑप्शंस अभी मैं यहाँ पे लिख के तो नहीं देते बैठूंगा. हम लोग डायरेक्ट इनको सॉल्व करेंगे. तो तुम लोगों को ऐसा कोई एक ब्लॉक बना के देंगे और यहाँ पे एज लिख के दे देंगे. ठीक है एंड फिर पूछेंगे इसके आजू बाजू में कौन से मेटल्स आ रहे हैं या फिर कौन से एलिमेंट्स आने चाहिए. तो एजी एजी मतलब कौन सा ग्रुप. तो ग्रुप इलेवन. हाँ ऊपर नीचे. ऊपर नीचे फिल कर सकते करते है ना. तो देखो यहाँ पे क्या आएगा कॉपर चांदी और सोना. ठीक है अब यहाँ पे सिल्वर के लिए तुम लोगों को वही याद रखना है यारी जरा निभाना मौत तक रुकावटे राह में पड़े अगर कोई. याद है पड़े अगर कोई. तो पड़े अगर कोई तो पड़े स्टैंड फॉर पलैडियम एंड अगर कोई फॉर कैडमियम. खत्म. तुम लोगों को सिर्फ पूरा पीरियडिक टेबल बाय हार्ट रहना चाहिए. दैट्स इट. तुम लोग पीरियडिक टेबल में के ऐसे टाइप के क्वेश्चंस तो ऐसे चुटकियों में सॉल्व कर दोगे. प्रैक्टिस करो एमसीक्यूज बहुत सॉल्व करना आराम से हो जाएगा. ठीक है तो और एक एग्जांपल देता हूँ ये तुम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर पाओगे इजिली सॉल्व हो जाएगा. एंड समझो तुम लोगों को इसका दे दिया था एटॉमिक नंबर विच इज 16 और पूछा कि एटम्स तो फिल करो विद देयर एटॉमिक नंबर. एटम्स फिल करने बट उसके एटॉमिक नंबर के साथ. तो कैसे करोगे ऐसे टाइम पे तुम लोग क्या यूज करोगे. ऐसे टाइम पे तुम लोग यूज करोगे मैजिक नंबर. मैजिक नंबर. और मैजिक नंबर क्या बताया था मैंने 8 18 32. ठीक है ये किस ब्लॉक के लिए. तो ये पी ब्लॉक के लिए हम लोगों ने अप्लाई किया था. और ये पी ब्लॉक में ये कौन सा ब्लॉक है. ऑक्सीजन फैमिली का ब्लॉक है. तो यहाँ पे ओ शिवा सी द पॉट. ठीक है तो ऑक्सीजन का तो तुम लोगों को पता ही है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना रहता है 8 8 + 8 16. 16 + 18 कितना होगा बताओ 34. 34 + 18 कितना होगा 52. 62 या 52. एंड यहाँ पे हो जाएगा ये 84. ठीक है ओके लिख लो ये कर लो. हाँ अगर समझो तुम लोगों को सिल्वर का भी एटॉमिक नंबर दे दिया होता. ठीक है तो सिल्वर का एटॉमिक नंबर रहता है सिल्वर का एटॉमिक नंबर रहता है 47. ठीक है कितना रहता है तो सिल्वर का एटॉमिक नंबर रहता है 47. और ऊपर नीचे वालों का पूछा रहता. तो सिल्वर के ब्लॉक के लिए मैंने तुम लोगों को क्या बताया है बताओ. सिल्वर के ब्लॉक के लिए एटॉमिक मैजिक नंबर क्या था 18 32. ठीक है ये ग्रुप 11 में आता है रिवाइज कर लेना. तो मैजिक नंबर रहता है 18 32. तो ऊपर जाते वक्त 18 माइनस करना पड़ेगा. ऊपर जाते वक्त क्या करना है यहाँ से सिल्वर से ऊपर जाना है ना. तो 18 ऐड नहीं करेंगे नीचे जाते वक्त ऐड करेंगे ऊपर जाते वक्त माइनस. तो 18 माइनस करो 47 में से क्या बचेगा 29. ठीक है एंड 47 में 32 ऐड करो कितना आएगा 79. खत्म. एंड आगे आजू बाजू वाला तो तुम लोगों को एकदम इजीली पता है. आगे जाएंगे तो एटॉमिक नंबर बढ़ेगा पीछे आएंगे तो एटॉमिक नंबर कम होगा. ये कॉमन सेंस की बात है. ठीक है तो जितने भी ट्रिक्स बताए हैं ये पूरा ट्रिक बेस्ड चैप्टर है. ठीक है पीरियडिक टेबल याद रखना कुछ डिफिकल्ट नहीं है. तुम लोगों को सिर्फ ट्रिक्स याद रखनी है और उनको एग्जॉस्टिव प्रैक्टिस करनी है. वीडियोस बार बार देखो ये पार्ट समझ में आ गया. पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इजी है. ठीक है इस चैप्टर में मैं तुम लोगों को लिटरली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 90-80% जो एक्सेप्शन है इसी चैप्टर में मैं कवर करा दूंगा. अच्छे से देखना. वैसे चैप्टर बहुत ईजी है. अगर हम लोग को खत्म करना है तो ये हार्डली 2-3 लेक्चर में खत्म हो सकता है. बट
जितने हो सके उतने में एक्सेप्शंस कराऊंगा, जितने हो सके उतनी यहाँ पे ही प्रैक्टिस करा दूंगा, ठीक है? सो विद दिस विल टेक 5 मिनट्स ऑफ ब्रेक, तो 47 हुए हैं, विल कंटिन्यू एट 52, ओके? थैंक यू सर, सॉरी सर, मांगना पड़ा. यहाँ पे मैंने
ओके ब्रेक ओवर हो गया है, ठीक है टाइम हो गया, तो जरा यहाँ पे देखो कॉपर सिल्वर और गोल्ड, ठीक है ये तीन एलिमेंट जो है इन्हें हम लोग कॉइनेज मेटल्स बोलते हैं, ठीक है इनका और एक नाम है कॉइनेज मेटल्स, क्यों, क्योंकि इनको पुराने जमाने से हम लोग कॉइन्स बनाने के लिए यूज करते आ रहे हैं, ठीक है तो कॉइनेज मेटल्स भी इनका नाम है, ग्रुप का नाम कॉइनेज मेटल्स नहीं है, इन मेटल्स को हम लोग कॉइनेज मेटल्स बोलते हैं, ठीक है तो कंफ्यूज मत होना, तो चलो कंटिन्यू करते हैं ना। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, ठीक है ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और मेन कंसेप्चुअल पार्ट है, तो देखते हैं इसमें बहुत सारे तुम लोगों को एक्सेप्शन मिलेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, ठीक है तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हम लोग कौन सी पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले हम लोग जो पढ़ने वाले हैं बाय द वे पीरियोडिक मतलब क्या, तो अ प्रॉपर्टी विच रिपीट्स आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है इज कॉल्ड एज अ पीरियोडिक प्रॉपर्टी, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पीरियोडिक प्रॉपर्टी का मीनिंग, प्रॉपर्टी विच रिपीट्स after certain interval of period is called as periodic property, और इसलिए हम लोग periodic table को periodic table बोलते हैं कि उसमें हर एक element की property कुछ समय के बाद repeat होना start हो जाती है and hence it is periodic in nature, ओके तो इसमें हम लोग कौन सी प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं, तो इसमें हम लोग सबसे पहले तो देखने वाले हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है आज ये हम लोग कंप्लीट करेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी जो हम लोग देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं अटोमिक रेडियस, ठीक है फिर ये दो प्रॉपर्टीज हो गई, तो इसके बाद हम लोग बहुत फास्ट जाएंगे क्योंकि ये दो अगर समझ में आ गए तो इसके आगे वाली सेम ट्रेंड्स फॉलो करती है, इन दोनों के ऊपर ही बाकी के डिपेंड करते हैं, ठीक है तो एटॉमिक रेडियस के बाद हम लोग देखने वाले हैं आयनिक रेडियस मतलब आयन्स की रेडियस, फिर हम लोग देखने वाले हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी जो मैं कल बात कर रहा था चैप्टर के टाइम पे, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी, फिफ्थ प्रॉपर्टी हम लोग देखने वाले हैं आपने जो प्रॉपर्टी लिखी थी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज डेफिनेशन वो आप जरा डिक्टेट करोगे, द प्रॉपर्टी विच रिपीट्स आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, द प्रॉपर्टी विच रिपीट्स आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम It's called as periodic property. Thank you, sir. Actually, it's really that we grey pad gaya. Thank you. So, let's continue. So fourth one is ionization enthalpy, ठीक है fifth property जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है इलेक्ट्रॉन गेन enthalpy, इलेक्ट्रॉन गेन enthalpy is also called as electron affinity जो इसका पुराना नाम था और नया नाम है इलेक्ट्रॉन गेन enthalpy जिसके बारे में भी मैं कल थोड़ा बात कर रहा था। सिक्स्थ प्रॉपर्टी हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड ऑल ये सारे कॉन्सेप्ट्स के बीच में ही हम लोग पढ़ेंगे मेटालिक कैरेक्टर, ये हम लोग सेपरेटली तो नहीं पढ़ेंगे बट मैं फिर भी तुम लोगों को लिखा के दे रहा हूँ, ये हर एक प्रॉपर्टीज पढ़ते पढ़ते मैं तुम लोगों को बीच बीच में ये एक्सप्लेन करूंगा जहां जहां पे इसका इन्वॉल्वमेंट होगा। एंड एट्थ हम लोग पढ़ने वाले हैं एसिडिटी एंड बेसिसिटी, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ पीरियोडिक टेबल में से क्वेश्चन एक्चुअल में बहुत कम पूछे जाते हैं
बट इसका यूज थ्रू आउट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है और कहाँ कहाँ पे कौन सा यूज होने वाला है, हम लोग इसमें बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, तो लेक्चर बिल्कुल मिस मत करना और मैं तो सजेस्ट करूंगा कि लेक्चर एक से ज्यादा टाइम देखना भी ऑनलाइन, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी विच इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसे दिखाने के लिए हम लोग यूज करते हैं जेड इफेक्टिव, ठीक है। अब एक रहता है जेड विच इज न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, एक रहता है जेड विच इज न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, विच इज नथिंग बट टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये बहुत सिंपल है, बट जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव मतलब क्या, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब क्या, तो वो हम लोगों को देखना है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज माने की जेड इफेक्टिव, ठीक है, ये हम लोगों को देखना है कि ये रहता क्या है। तो द चार्ज या फिर द न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड, अभी तुम लोगों को मैं सिर्फ डेफिनेशन लिखा के दे रहा हूं, एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। द न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इन क्वेश्चन इज कॉल्ड एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मतलब क्या, तो जेड इफेक्टिव, ठीक है। तो जरा देखते हैं, अब मैं एक मोनो इलेक्ट्रॉनिक या फिर मोनो एटॉमिक गैस ले रहा हूं जिसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो दिस इज माय मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, तो एक इलेक्ट्रॉन है। अब तुम लोगों को इतना कॉमन सेंस तो है, एक इलेक्ट्रॉन मतलब एक ही प्रोटॉन रहने वाला है। तो यहाँ पे मुझे बताओ इसका प्रोटोनिक चार्ज पूरा का पूरा इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोकस्ड होगा, होगा कि नहीं होगा? यस सर। ओके, बट अगर मैं एक मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ले रहा हूं, मतलब जिसके पास बहुत सारे प्रोटॉन्स है और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, तो कैसे होता है वो देखते हैं। इसे समझने के लिए हम लोग एक सिंपल एग्जांपल भी देख सकते हैं, ठीक है। एक आदमी है जिसकी सिर्फ एक ही वाइफ है, ठीक है, यहाँ पे एक आदमी है जो प्रोटॉन है जिसकी सिर्फ एक ही वाइफ है, तो ये अपना पूरा अटेंशन किसको देगा, उसकी एक ही वाइफ को देगा, हमेशा उसकी एनिवर्सरी उसको याद रहेगी, उसका बर्थडे याद रहेगा, हमेशा एक आध दो दिन में बीच में गिफ्ट विफ्ट लेके जाएगा, बाहर खाना खिलाने लेके जाएगा। बट यहाँ पे एक आदमी है जिसकी टोटल 11 वाइफ्स है, ठीक है, रहता था ना पुराने जमाने में राजाओं का, तो वैसा कुछ सीन, ठीक है, 11 वाइफ्स है, और फिर उसने मतलब 10 पहले से वाइफ थी और बाहर एक और एक नहीं आ गई। अब मुझे बताओ यहाँ पे होगा क्या, ये बाकी के जो इलेक्ट्रॉन्स है इनको ये बाहर वाला इलेक्ट्रॉन अच्छा लगेगा क्या, ये उसे अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे या रिपेल करने की कोशिश करेंगे? रिपेल करेंगे। तो याद रखो सारे इलेक्ट्रॉन्स बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, ठीक है। तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अंदर वाले इलेक्ट्रॉन कर रहे रिपेल, बट हमारा प्रोटॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करने की कोशिश करेगा, अट्रैक्ट। अब अगर मैं बोल रहा हूँ, हाँ ना, बराबर, करेक्ट। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे इस प्रोटॉन के पास बहुत सारा चार्ज है, प्लस 11 चार्ज है, बट ये पूरा का पूरा चार्ज वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन की तरफ डाल पाएगा क्या, उसके ऊपर पूरा फोकस कर पाएगा क्या? नो सर। नहीं, बराबर, क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस प्रोटॉन का थोड़ा सा चार्ज ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स भी एब्जॉर्ब करेंगे, इनके ऊपर भी तो फोकस जाना चाहिए, नया इलेक्ट्रॉन आया तो पुराने इलेक्ट्रॉन को भूलेगा, ऐसे थोड़ी ना, ठीक है। तो दो सिनेरियो हो रहे हैं, एक तो ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉनिक चार्ज एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है, दूसरा ये क्या करने वाले हैं, तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल भी करने वाले हैं। तो इससे पूरा न्यूक्लियर चार्ज मिलने वाला है क्या? नो सर। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या, दैट दिस इलेक्ट्रॉन इज शील्डेड फ्रॉम न्यूक्लियर चार्ज हम लोग उल्टा लिख रहे हैं, एक्चुअली ऐसे नहीं लिखते, हम लोग ऐसे लिखते हैं दैट न्यूक्लियर चार्ज
मतलब इधर इन जनरल लिखो, इस इलेक्ट्रॉन के लिए मत लिखो, न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज इज शील्डेड. देखो ये अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या कर रहे हैं, ये एक शील्ड का काम कर रहे हैं, बीच में न्यूक्लियर चार्ज को बाहर जाने से रोक रहे हैं, मतलब ये शील्ड या फिर एक स्क्रीन जैसा काम कर रहे हैं. तो न्यूक्लियर चार्ज इज शील्डेड और स्क्रीन्ड, स्क्रीन्ड बाय इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, अब जरा इस इलेक्ट्रॉन के बारे में चर्चा करते हैं. तो मुझे बताओ ये इलेक्ट्रॉन कंप्लीट न्यूक्लियर चार्ज कभी एक्सपीरियंस कर पाएगा क्या, पूरी तरह से न्यूक्लियर का चार्ज कभी एक्सपीरियंस कर पाएगा क्या? नो सर. नो सर. तो देयरफॉर चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय दिस इलेक्ट्रॉन इज लेसर, इज लेसर कंपेयर्ड टू एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज. ठीक है, एंड ये जितना चार्ज एक्सपीरियंस करता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग बोलेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. अब डेफिनेशन रीड करो, तुम लोगों को समझ में आ रही है क्या? कुछ डाउट होगा तो पूछ लो, कुछ डाउट नहीं होगा तो लिख लो. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इस कंसेप्ट का हम लोग यूज थ्रू आउट दिस चैप्टर करने वाले हैं. ठीक है, एंड थ्रू आउट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग करते रहने वाले हैं. तो समझ लो, बहुत सिंपल कंसेप्ट है. अंदर वाले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को एब्जॉर्ब करते हैं और बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं. दैट्स इट, तुम लोगों को इतना ही याद रखना है, नथिंग एल्स. एंड हाँ, ये मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में एग्जिस्ट करता है, मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में एक ही इलेक्ट्रॉन एक ही प्रोटॉन, बात खत्म, सुखी आदमी. लिख के हो जाए तो बता देना. अभी हम लोग जरा शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट के बारे में बात करेंगे. सर बोलो. मतलब अगर वो जो बाहर वाले जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो अगर अंदर वाले की तरफ तो लाइक शील्ड अपना ऑर्बिट में होता तो उसको आपके पीछे से बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है, मुझे आपका आवाज बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है. हेलो, सॉरी सर. तो ये जो बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो अगर अंदर वाले कौन से तो ऑर्बिट में होता तो उसको लाइक ऐसा नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज ऐसा नहीं मिलता, राइट? उसको थोड़ा हाँ, उसको थोड़ा ज्यादा मिलेगा. करेक्ट, मतलब तो इनर मोस्ट वाले को सबसे ज्यादा मिलता है. इनर मोस्ट वाले को सबसे ज्यादा मिलता है. करेक्ट. ओके सर. मतलब इसके ऊपर जितना जेड इफेक्टिव है उससे ज्यादा जेड इफेक्टिव अंदर वालों के ऊपर रहेगा. मतलब सेकेंड शेल में जो इलेक्ट्रॉन रहने वाले हैं इनके ऊपर थोड़ा ज्यादा जेड इफेक्टिव रहेगा, और उसके अंदर एकदम नजदीक वाले के पास सबसे ज्यादा. वैसे मतलब सबसे पुरानी जो वाइफ होगी उसको सबसे ज्यादा अटेंशन, काइंड ऑफ लाइक दैट. मैक्सिमम एकदम फर्स्ट शेल में रहेगा और मिनिमम मिनिमम आउटरमोस्ट शेल में. परफेक्ट. यस सर, स्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे एक ग्रे पैच आ गया, तो कन्वर्ट होने से पहले स्टार्ट कर देते हैं. कुछ ज्यादा ही टाइम ले रहे ऐसे लग रहा. हाँ हो गया.
तो सर बोलो, मतलब अगर हमें अभी अभी हम लोग देखने वाले सर कंटिन्यू. अच्छा तो अगर हमें अभी आगे और एलिमेंट्स मिलते गए आफ्टर 118 नंबर, तो हम वो जो हम लोग ने नंबरिंग सिस्टम वो आईयूपैक ने डिसाइड की थी नॉमेनक्लेचर के हिसाब से, वही यूज करेंगे. वही यूज करेंगे राइट? वही यूज करेंगे. तो अभी तुम लोगों को z डिस्ट्रक्टिव तो पता है क्या आ रहा है, इट इज डिस्ट्रक्टिव टच. या यप थैंक्स. तो दिस ओके, तो दिस वन इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. जेड क्या रहता है? तो ये रहता है न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है. एंड ये जो सिग्मा है, दिस इज द ग्रीक अल्फाबेट विच इज कॉल्ड एज सिग्मा, ठीक है. इट इज कॉल्ड एज स्लेटर्स कॉन्स्टेंट. स्लेटर्स कॉन्स्टेंट, दिस इज द फॉर्मूला टू काउंट फाइंड आउट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन अ इलेक्ट्रॉन. बट इस फॉर्मूला के बेस पर हम लोग को क्वेश्चन रहते हैं नहीं, तो हम लोग को इसको सॉल्व करना है नहीं, ठीक है. तो सिर्फ ये फॉर्मूला लिख के रखो, बाकी कुछ जरूरत नहीं है. मतलब मैं यूजुअली कभी कभार सॉल्व करा के दे देता हूँ इसके ऊपर एक दूसरा क्वेश्चन, बट इट इज रियली नॉट नेसेसरी. इसके ऊपर कभी क्वेश्चन पूछा गया है भी नहीं. और जैसे मैं तुम लोगों को बार बार बोलते रहता हूँ, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स नहीं रहते हैं. यहाँ पे क्या पूछा जाता है, तो कंसेप्ट और थियरी, ठीक है. तो ज्यादा हम लोग थियरी के ऊपर ही फोकस करेंगे. फिजिकल केमिस्ट्री में अप्लाई किधर करेंगे क्या, वही मैं बोल रहा हूँ. यहाँ पे मैं अभी आगे भी जाके तुम लोगों को बहुत सारे फॉर्मूलाज दूंगा, बट वो अप्लाई नहीं करने. फॉर्मूला के ऊपर तुम लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लाइक विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर्मूला टू कैलकुलेट जेड इफेक्टिव. उसमें तुम लोगों को अलग अलग ऑप्शन देंगे. ये ऑप्शन ए रहेगा, तो ऑप्शन बी ऐसा हो सकता है जेड इंटू सिग्मा. ऑप्शन ये ऐसा हो सकता है जेड अपॉन सिग्मा. ऑप्शन डी ऐसा हो सकता है जेड प्लस सिग्मा. तो विच इज करेक्ट, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. वैसे तो इसका तुम लोगों को एप्लीकेशन बिल्कुल नहीं है, तुम लोगों को सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है. ओके तो चलो आगे बढ़ते हैं. अब हम लोग जरा शील्डिंग इफेक्ट के बारे में देखने वाले हैं, ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट विथ शील्डिंग इफेक्ट. शील्डिंग विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्क्रीनिंग इफेक्ट. अब तुम लोगों को ये तो पता चल गया कि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन से शील्ड या फिर स्क्रीन करते हैं, ठीक है. बट हम लोगों के पास अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं. क्यों अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं बताओ जरा मुझे. क्योंकि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो प्रेजेंट रहते हैं अलग अलग, किसमें प्रेजेंट रहते हैं अलग अलग, ऑर्बिटल्स. परफेक्ट, जरा ऐसा और बड़ा लच्छे से बना लेते हैं. एंड ये आ गया पी ऑर्बिटल, ये आ गया डी ऑर्बिटल. तुम लोगों के ये ऑर्बिटल्स कैसे बनते हैं वो भी मैंने बताया है ना, वेव नेचर की वजह से, वेव्स का डायग्राम एंड ऑल. यस सर. ओके, अब तुम लोगों को पता है एक ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं. सर हमें फिर से ड्रॉ करना है. हाँ हाँ, फिर से ड्रॉ करना है. एक ऑर्बिटल में कितने रहते हैं? दो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं. परफेक्ट, ठीक है. तो ये आ गया मेरा डी ऑर्बिटल. मस्त ड्रॉइंग करता हूँ ना मैं. थैंक यू थैंक यू. अब एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ठीक है. अब देखो यहाँ पे एक ही लोब है, यहाँ पे दो लोब्स आ गए पी ऑर्बिटल में. डी में चार आ गए और एफ में आठ आ गए, ठीक है. तो ये एस ऑर्बिटल था, ये पी ऑर्बिटल था, ये डी ऑर्बिटल था और ये एफ ऑर्बिटल था. मैं तुम लोग को एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ स्क्रीनिंग इफेक्ट कैसे हो सकती है, ठीक है. यहाँ पे हम लोगों को इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी देखनी है. क्या देखनी है? तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, ठीक है. अब मुझे बताओ एस ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन कितने लोब्स के अंदर है? एस ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन कितने लोब्स के अंदर है? एक लोब, बराबर. ये पूरा एक लोब है ऐसे गोल, ठीक है. तो एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ. समझो तुम लोगों को या फिर मेरे पास 100,000 रुपए थे, ठीक है. पगार हो गया, 100,000 आ गए. उतना मैं कमाता हूँ नहीं तो, बट फिर भी 100,000 रुपए आ गए. और वो उतने सारे 100,000 रुपए मैंने मेरे ऊपर वाले जेब में, मतलब एक ही जेब में एक ही पॉकेट में रख दिए थे या फिर पीछे वॉलेट में रख दिए थे, ठीक है. और एक चोर आया लेके चला गया, वो मैं रोऊंगा एंड ऑल, वो बात की बात. बट मेरे सारे के सारे पैसे एक ही टाइम पे निकल जाएंगे, करेक्ट और रॉन्ग? क्यों एक ही टाइम पे निकल गए?
क्योंकि मैंने सारे पैसे उनकी पूरी डेंसिटी जो थी वो एक ही पॉकेट में रख दी थी, समझ में आ रहे है? अब उसी बदले मैंने मेरे 1,00,000 दो अलग अलग पॉकेट में रख दिए, मतलब काइंड ऑफ लाइक पी ऑर्बिटल। ठीक है, पी ऑर्बिटल में कैसे है, दो अलग अलग लोब्स है तो एक इलेक्ट्रॉन नीचे वाले में एक इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले में, वैसे ही मैंने 50,000 एक जेब में रखे, 50,000 दूसरे जेब में रखे। अब मुझे बताओ पैसों की डेंसिटी कम हुई या बढ़ गई? पैसों की डेंसिटी कम हुई या कम हुई। बराबर, अभी चोर आएगा तो आधे ही पैसे लेके चला जाएगा और थोड़े पैसे मेरे पास बच भी जाएंगे। तो मुझे बताओ एस और पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा कौन से ऑर्बिटल में रहती है? एस ऑर्बिटल, मतलब मेरे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डिफ्यूज कम है, स्प्रेड आउट। डिफ्यूजन मतलब क्या रहता है पता है ना, स्प्रेड आउट होना, मतलब ऐसे फैल जाना। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आर लेस डिफ्यूज, जैसे मैं बोल सकता हूँ इलेक्ट्रॉन्स आर लेस डिफ्यूज। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन नीचे वाले में एक इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले में, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन बढ़ गया या कम हुआ? तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स अच्छे खासे डिफ्यूज होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सेम मेरे पास 1,00,000 रुपए थे, मैंने उसको चार अलग अलग जेबों में रख दिया, तो पैसों की डेंसिटी या फिर डिफ्यूजन बढ़ रहा है या कम हो रहा है? डेंसिटी बढ़ रही है या कम हो रही है? डेंसिटी कम हो रही है। डेंसिटी कम हो रही है और डिफ्यूजन कम हो रही है, डिफ्यूजन बढ़ रही है। डिफ्यूजन बढ़ रहा है। तो यहाँ पे भी कैसे होगा, आधा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, आधा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया, आधा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और आधा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो आधा आधा इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होते जा रही है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स आर मोर डिफ्यूज, यहाँ पे डिफ्यूजन और बढ़ गया। और एफ ऑर्बिटल में मुझे बताने की जरूरत है क्या अभी? इलेक्ट्रॉन्स आर मोस्ट डिफ्यूज। ठीक है, अब मुझे बताओ अगर तुम लोगों को शील्ड करना होगा तो कौन सा ऑर्बिटल प्रोटॉन को अच्छे से शील्ड कर पाएगा? मैं तुम लोगों को ड्रॉ करके बता देता हूँ, बीच में प्रोटॉन रहता है, ये मत भूलना। ठीक है, तो कौन सा ऑर्बिटल प्रोटॉन को अच्छे से शील्ड कर पाएगा, सोच के बताना। एस ऑर्बिटल क्योंकि देखो प्रोटॉन को शील्ड करने का काम कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन्स करने वाले। एकदम ज्यादा डेंसिटी कौन से ऑर्बिटल में दिख रही है तुम लोगों को इलेक्ट्रॉन्स की? सबसे ज्यादा डेंसिटी कहाँ पे? एस ऑर्बिटल सबसे अच्छे से शील्ड कर पाएगा, याद रखना। और सबसे पुअर शील्डिंग कौन दिखाएगा? एफ ऑर्बिटल। तो याद रखो हमारा एस ऑर्बिटल एंड पी ऑर्बिटल, इनकी शील्डिंग हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव रहती है, मतलब थोड़ी बहुत अच्छी रहती है। तो दिस इज इफेक्टिव शील्डिंग, इफेक्ट। डी ऑर्बिटल की हम लोग बोलते हैं इसकी रहती है पुअर शील्डिंग इफेक्ट। एंड हमारे एफ ऑर्बिटल की तो इसको कुछ फायदा ही नहीं है, तो दिस शोज पुअरेस्ट शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, लिख लो, ये डायग्राम बना लो, और तुम लोगों को अगर समझने के लिए ड्रॉ करना होगा तो ऐसे यहाँ पे डॉट्स बना लेना कि यहाँ पे बहुत ज्यादा डेंसिटी है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा डेंसिटी है, यहाँ पे थोड़े कम डॉट्स ड्रॉ करना, तो अगर तुम लोगों को समझ में आ गया कि यहाँ पे डेंसिटी कम हो गई, यहाँ पे और थोड़े कम कर देना। हर एक लोब में देखो, लोब में डेंसिटी कम हो रही है एंड यहाँ पे एकदम कम कर देना। ठीक है, तो धीरे धीरे एस ऑर्बिटल से एफ ऑर्बिटल की तरफ डेंसिटी कम होते जा रही है। ड्रॉ कर लो, हो जाए तो बता देना।
डन सर. सो लेट्स कंटिन्यू. हाँ तो अभी सर ये साइज वाइज भी मैटर कर सकते हैं ना, लाइक 1s देन 2s देन 3s. करेगा ना, बट यूजुअली s ऑर्बिटल की सबसे पावरफुल शील्डिंग रहती है, ऐसे हम लोग मानते हैं. मतलब अकॉर्डिंग टू देयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नॉट अकॉर्डिंग टू देयर साइज. साइज के अकॉर्डिंगली हम लोग डिस्कस करेंगे. साइज शायद कम होगी क्योंकि ज्यादा खींचेगा इलेक्ट्रॉन तो रेडियस कम होएगा ना. नहीं नहीं वैसे नहीं, वो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा तो लाइक इलेक्ट्रॉन आई मीन रेडियस कम होएगा तो छोटा दिखेगा वो लाइक कंपैरेटिव टू द अदर्स. बट आप जो बोल रहे हो वो अलग है. हां बट आप जो कांसेप्ट बोल रहे हो एटॉमिक रेडियस का बोल रहे हो, और आकाश ने जो क्वेश्चन पूछा था वो जेड इफेक्टिव के रिलेटेड था. मतलब जेड इफेक्टिव साइज का इफेक्ट जेड इफेक्टिव के ऊपर क्या बनेगा. डेविड योर कैमरा इज ऑन. And I guess David is watching TV. Na? अरे David ने गाली दे सकता है. डेविड क्या देख रहे हो टीवी पे? डोरेमोन. अरे स्क्रीन शेयर ऑन कर रहा हूँ बट ये वापस ये हो गया, हैंग हो गया बीच में ही. अच्छा ओके ठीक है. जिस किसी का क्वेश्चन था तो अभी हम लोग देखने वाले ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल. ट्रेंड मतलब क्या, तो वो कैसे चेंज होते जा रहे हैं. ठीक है तो देखते हैं. लेट्स स्टार्ट विद ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल. ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल. ठीक है अब हम लोग ट्रेंड जो है वो दो टाइप से पढ़ते हैं. ठीक है कैसे पढ़ेंगे, तो एक तो पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल में अलॉन्ग अ पीरियड, और दूसरा पढ़ेंगे अलॉन्ग अ ग्रुप. ठीक है ट्रेंड कैसे पढ़ेंगे हम लोग, दो टाइप के पढ़ेंगे. नंबर वन जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं अलॉन्ग अ पीरियड. इसे मैं अभी नेक्स्ट टाइम से लिखूंगा एल टू आर, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक. ठीक है अब मुझे बताओ लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक जाते वक्त मैं जरा एलिमेंट्स लिख देता हूँ, एक आइडिया आ जाएगी. लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन. ठीक है एंड नियॉन हम लोग यूजुअली तो देखते हैं नहीं क्योंकि वो नोबल गैसेस में आते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे बट बाद में. अब यहाँ पे मुझे बताओ लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या रहता है, या फिर इसके पास कितने प्रोटॉन्स रहते हैं? 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9. मुझे बताओ अगर न्यूक्लियर चार्ज ही बढ़ रहा है, अगर न्यूक्लियर चार्ज ही बढ़ेगा तो नंबर सॉरी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते जाना चाहिए या कम होते जाना चाहिए? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के साथ इंक्रीज होना चाहिए. ऑब्वियस है अगर प्रोटॉन्स का ही चार्ज बढ़ रहा है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होगा, बढ़ते जाएगा. ठीक है तो अलोंग अ पीरियड लेफ्ट टू राइट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, याद रखना. क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि जेड इंक्रीजेस. ठीक है
तो ऑब्वियस है जेड इंक्रीज होगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होगा, इंक्रीज होगा. ठीक है, तो लिख के रखना फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इफेक्टिव, किसी का तो माइक ऑन है जरा बंद कर दो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस. ठीक है, अलोंग अ पीरियड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, वो बढ़ते जाते हैं. ठीक है, एंड दूसरी चीज जो हम लोग देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं अलोंग ग्रुप. ठीक है, मतलब क्या है, तो टॉप टू बॉटम. अब टॉप टू बॉटम क्या होता है वो जरा इमेजिन करते हैं. टॉप टू बॉटम मतलब कौन से एलिमेंट्स, तो ली ना की रब से फरियाद. ठीक है, अब टॉप टू बॉटम जाते वक्त लिथियम के पास थे दो शेल. ठीक है, लिथियम के पास कितने शेल्स रहते हैं, तो लिथियम के पास रहते हैं दो शेल, फर्स्ट शेल सेकेंड शेल. सोडियम के लिए कितने हो जाएंगे, तीन शेल. पोटेशियम के लिए कितने हो जाएंगे, अरे यार पोटेशियम के लिए कितने हो जाएंगे, तो पोटेशियम के लिए हो जाएंगे चार शेल, तीन और चार. ठीक है, अब याद रखो हम लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यूजुअली बाहर वाले लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन के लिए फाइंड आउट करते हैं. अब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ते जाएगा, ये बीच में एक छोटा सा प्रोटॉन था ऐसे इमेजिन करते हैं. ठीक है, तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ते जाएगा इस प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन के ऊपर वाला चार्ज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते जाना चाहिए कम होते जाना चाहिए, कम होते जाएगा ना कम होते जाना चाहिए. परफेक्ट, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है तो वो बेचारा हस्बैंड अपने वाइफ तक ही नहीं पहुंच पाएगा, बीच में बहुत सारी वाइफ्स आ गई है. ठीक है, तो सेम सिनेरियो, बट यहाँ पे एक छोटा सा बट है. मुझे बताओ लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर है तीन, मतलब इसके पास तीन प्रोटॉन्स है. सोडियम का है 11, इसका है 19, फिर इसका हो जाता है 37 और इसका हो जाता है 55. ठीक है, अब मुझे बताओ जैसे जैसे हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं तो न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है कम हो रहा है, बढ़ रहा है न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, तो अट्रैक्शन भी थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाएगा. मतलब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के वजह से, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के वजह से जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, बट डिस्टेंस बढ़ने के वजह से, डिस्टेंस मतलब क्या, तो मैं अभी यहाँ पे रेडियस बोलूंगा, एटम की रेडियस, रेडियस बढ़ने की वजह से अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा. वापिस रिपीट करता हूँ, न्यूक्लियर चार्ज जेड बढ़ने की वजह से जेड इफेक्टिव बढ़ना चाहिए, रेडियस बढ़ने की वजह से जेड इफेक्टिव कम होना चाहिए. तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, ऐसे नहीं लगता, मैंने क्या बोला समझा, तो इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज रिमेन्स ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट. ठीक है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट रह जाता है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि पूरी तरह से, बट ऑलमोस्ट डिक्रीज भी थोड़ा बहुत हो सकता है या फिर कॉन्स्टेंट रहेगा, बढ़ेगा नहीं, कॉन्स्टेंट रह सकता है. ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ये नीचे वाले डायग्राम प्लीज ड्रॉ मत करना, बहुत खराब है. इसको इरेस करने जाऊंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा, तो लिख लो ये हो गया सर. तो अभी हम लोगों को इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में और कुछ नहीं पढ़ना है, इसके ऊपर क्वेश्चंस भी नहीं पूछे जाते, बट ये आगे वाले कॉन्सेप्ट्स के टाइम पे बहुत काम आता है. ठीक है, तो इनऑर्गेनिक में इसके थ्रू हम लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स अंडरस्टैंड करेंगे. अभी मतलब जैसा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का ट्रेंड हुआ आपने दिखाया, वैसे शील्डिंग इफेक्ट का भी ट्रेंड, और नहीं, नहीं, वो नहीं है, लाइक वो रिवर्सली मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को शील्डिंग. हाँ. जितना ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट उतना कम न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, करेक्ट बोला आपने, बट उसका ऐसे कोई ट्रेंड नहीं है. क्यों नहीं है, बिकॉज आपने देखा पीरियोडिक टेबल में अलग अलग ऑर्बिटल्स बीच बीच में आते जाते हैं,
आप जो बोल रहे हो तो इसका एक कोई ट्रेंड नहीं आता, बिकॉज मैंने सबसे पहले आज चैप्टर में तुम लोगों को ये देखो, ये पीरियोडिक टेबल में अगर देखोगे सबसे पहले 1s आता है, फिर 1s उसके बाद डायरेक्ट 2s आता है, फिर 3s, फिर उसके बाद वापस 3p आता है, फिर 4s, बीच में ही आ जाएगा 3d, उसके बाद आएगा 4p. तो अलग अलग ऑर्बिटल्स बीच बीच में आते रहते हैं, ठीक है. तो अलग अलग ऑर्बिटल्स बीच बीच में आने की वजह से हम लोग एक स्पेसिफिक ट्रेंड शील्डिंग इफेक्ट के लिए तो नहीं लिख पाते, क्योंकि ऑर्बिटल्स के अकॉर्डिंगली शील्डिंग इफेक्ट चेंज होते जाता है. तो आपने जो बोला तो वो टोटली इट इज अ वैलिड पॉइंट, ठीक है. मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि वैलिड पॉइंट नहीं है. तो ये अलग अलग ऑर्बिटल्स की अलग अलग शील्डिंग रहने की वजह से और बीच में ही कोई भी ऑर्बिटल घुस जाने की वजह से हम लोगों को एक्सेप्शन दिखते हैं. तो जितने भी हम लोग एक्सेप्शन स्टडी करेंगे उसके लिए पुअर शील्डिंग ऑफ एफ ऑर्बिटल, पुअर शील्डिंग ऑफ डी ऑर्बिटल, ऐसा ही कुछ हम लोग रीजन लिखेंगे जो हम लोग एक्सेप्शन के टाइम पे देख लेंगे. इसका कोई ट्रेंड नहीं है, तो जिस चीज का ट्रेंड नहीं रहता वो एक्सेप्शनल केस बन जाएंगे. वाओ, सर आप माय पेंट में मतलब वो व्हाइट वाला बोर्ड से क्यों नहीं करते? माय पेंट में व्हाइट वाले बोर्ड से पिक्सेल्स बहुत आते हैं, इट पिक्सेलेट्स, उसमें वैसे स्मूथ नहीं दिखता, दिखने में भी वो अच्छा नहीं लगता और समझने के लिए तो और डिफिकल्ट हो जाता है. Microsoft whiteboard OneNote is not a bad idea, that we can try. Let's see, we will try. मुझे पहले उसके ऊपर थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, but that is a valid point. Okay, तो let's continue. जैसे मैंने बोला कि effective nuclear charge का trend रहता है, but shielding effect का trend नहीं रहता, because हर एक orbital की shielding effect अलग अलग रहती है, ठीक है. तो उसकी वजह से हम लोगों को जो एक्सेप्शंस है वो देखते हैं. तो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले सेकंड प्रॉपर्टी से, पीरियोडिक प्रॉपर्टी से, विच इज एटॉमिक रेडियस. ये सेकंड प्रॉपर्टी है, ठीक है. तो एटॉमिक रेडियस, अब एटम्स की, व्हाट द हेल, सॉरी ये क्या चालू है यार, ऐसे नहीं होना चाहिए इतने इजीली. तो फाइल की स्टोरेज कैपेसिटी मैक्सिमम हो गई है, इसके आगे अब ये स्टोर नहीं कर पाएगी, इसलिए होगा. देखते हैं, क्लास ट्राई करते हैं, नहीं तो फ्रेश पेज से स्टार्ट करेंगे. तो स्क्रीन शेयर ऑन है, राइट. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एटॉमिक रेडियस. ओके, तो एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस की जरा डेफिनेशन लिख लो, मैं डिक्टेट कर रहा हूं. द डिस्टेंस बिटवीन, द डिस्टेंस बिटवीन, द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट शेल, द डिस्टेंस बिटवीन, द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट शेल, न्यूक्लियस एंड outermost shell, nucleus and outermost shell is called as atomic radius, is called as atomic radius.
खरीदना सीख गया मैं। हाँ तो यहाँ पे कैसे इलेक्ट्रॉन बना लेना एंड फिर न्यूक्लियस से लेके इलेक्ट्रॉन के डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे रेडियस ऑफ एन एटम। ठीक है तो ये डायग्राम बना लो ऐसे। Done, so उसके नीचे लिखना it is difficult to calculate atomic radius, it is difficult to calculate atomic radius because उसमें point number one लिखना, point number one atom is very small, point number one atom is very small point number two boundary of a shell is not well defined matlab इसका मीनिंग क्या है तो ये तुम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में पढ़ोगे और मैंने भी तुम लोगों को बता के रखा है। ये इलेक्ट्रॉन जो है इसके दो नेचर रहते हैं, एक रहता है वेव नेचर, दूसरा रहता है पार्टिकल नेचर। अब ये पार्टिकल अगर रहेगा तो ये इलेक्ट्रॉन कैसे रिवॉल्व करेगा, तो ये ऐसे सर्कल में ऐसे आराम से रिवॉल्व करते रहेगा। ठीक है बट अगर ये वेव नेचर में चला गया तो वेव कैसे दिखेगी, वेव तो ऐसे कुछ रहती है, राइट और रॉन्ग? ये ऐसे ड्रॉ मत करना, मैंने जितना अच्छे से ड्रॉ किया उतना तुम लोगों को जमेगा भी नहीं शायद से। ठीक है बट वेव तो ऐसे कुछ रहती है। अब मुझे बताओ अगर ऐसी वेव रहेगी तो तुम लोग इसकी जो ऑर्बिट की बाउंड्री है वो बता पाओगे कि ये बाउंड्री कहाँ पे जाके खत्म होगी, तो हम लोग ये बता नहीं सकते। तो याद रखो बिकॉज ऑफ वेव नेचर हम लोग इलेक्ट्रॉन की मतलब या फिर शेल की बाउंड्री कभी भी डिसाइड नहीं कर सकते। तो उसमें आगे लिख दो shell does not have a specific या फिर well defined boundary because of wave nature of electron। सच में मस्त वेव बनी है ना, I liked it। तो because of wave nature of electron and point number three लिखना most of the time atoms are present in bounded state लिखना, bounded मत लिखो, bonded state। ठीक है तो एटम अलग अलग टाइप के बॉन्ड्स फॉर्म करता है इसलिए हम लोगों के पास अलग अलग टाइप्स की रेडियस रहती है। तो सबसे पहले आती है कोवेलेंट रेडियस। ठीक है तो अभी मैं बार बार कोवेलेंट रेडियस लिखते नहीं बैठूंगा, मैं इसको सी आर बोलूंगा। दूसरी आती है वैंडरवाल्स रेडियस, अगेन मैं इसको बार बार वैंडरवाल्स रेडियस नहीं लिखते बैठूंगा, मैं इसको वी आर लिखूंगा। और थर्ड वन इज मेटालिक रेडियस, अगेन मैं इसे लिखूंगा MR। एंड और एक फोर्थ टाइप की रेडियस रहती है जो हम लोग इधर अभी एटॉमिक रेडियस में नहीं पढ़ने वाले हैं बट मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। फोर्थ वन इज आयनिक रेडियस। तो ऑब्वियस है एटम और आयन में जमीन आसमान का फर्क रहता है, तो आयनिक रेडियस हम लोग आयन के बारे में ही पढ़ेंगे तब लिखेंगे, बट इसे हम लोग बोलेंगे IR। ठीक है तो आयनिक रेडियस, तो कोवेलेंट रेडियस, वैन डर वाल्स रेडियस और मेटालिक रेडियस, ये हम लोग एटॉमिक रेडियस के पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है तो चलो देखते हैं, लेट्स स्टार्ट विद एटॉमिक सॉरी कोवेलेंट रेडियस। तो नंबर वन इज कोवेलेंट, रेडियस। अब तुम लोगों को कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है वो मुझे बताने की जरूरत है क्या?
तो कोवेलेंट बॉन्ड किसकी वजह से बनता है, तो ड्यू टू ओवरलैप, राइट। तो ये दो एटम्स है, सेम मॉलिक्यूल्स है, और इनके बीच में एक बॉन्ड बना है, ठीक है। और ऑब्वियस है, दो एटम्स के सेंटर्स को जब तुम लोग ज्वाइंट करोगे तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे बॉन्ड लेंथ, ठीक है। तो दिस इज माय डिस्टेंस डी व्हिच इज माय बॉन्ड लेंथ, ओके। एंड दोनों एटम्स जो है वो सेम टाइप के है, मतलब दोनों एटम समझ लो ए है, ठीक है। अब ए एटम की अगर तुम लोगों को एटॉमिक रेडियस निकालनी है तो हम लोग ये कभी फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि ये सिंपली बॉन्डेड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा ए टू फॉर्म में। मतलब फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन, क्लोरीन कभी सिंगल रहता है क्या, नहीं रहता, वो हमेशा सी एल टू फॉर्म में रहता है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी सेम सिचुएशन अराइज हो गई है। अब ऐसे टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस बॉन्ड लेंथ को काउंट करेंगे एंड फिर इस बॉन्ड लेंथ को ऐसे हाफ में डिवाइड कर देंगे। मैंने क्या बोला, समझ में आ रहा है? तो ये हो गई रेडियस ऑफ ए एटम, कितनी हो गई, तो बॉन्ड लेंथ को हाफ में डिवाइड करने के बाद जो बचा वो। तो अगर मैं, मुझे किसी ने पूछा कोवेलेंट रेडियस ऑफ ए एटम कितनी है, तो मैं क्या बोलूंगा, इट इज डी ऑफ ए डैश ए बॉन्ड, डिस्टेंस ऑफ ए डैश ए बॉन्ड डिवाइडेड बाय टू, विच इज नथिंग बट बॉन्ड लेंथ डिवाइडेड बाय टू। दिस इज योर फॉर्म्यूला। एनी प्रॉब्लम? इतना सन्नाटा क्यों है कि तुम लोग कुछ बोल रहे हो और मुझे सुनाई नहीं दे रहे? नहीं सर, नो प्रॉब्लम सर। ओके ओके, तो ये लिख लो कोवेलेंट रेडियस के बारे में। अब ये जो हम लोगों ने देखा, दिस वन इज फॉर होमो एटॉमिक, होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। होमो मतलब क्या है, तो सेम, तो सेम मॉलिक्यूल्स थे, तो उसके लिए ऐसे कुछ आया। तुम लोगों का लिख के हो गया था ना, प्लीज से दैट तुम लोगों का लिख के हो गया। नो सर। नहीं सर, तो भी याद है, ठीक है। अगर बाकी होगा तो भी तुम लोग जरा इसमें से देख लेना, वीडियो में से, बिकॉज मैं अभी नई फाइल ही ओपन करता हूँ। सर, अगर हमें लाइक कुछ मिस हो गया हो या कुछ प्रॉब्लम आ गई हो बीच में और हमें वीडियो देखना हो, तो आपके जो पुराने पीरियोडिक वाले लेक्चर है ना, वो अपलोड है यूट्यूब पे? नहीं, अभी कल ही अपलोड हुआ, कल ही अपलोड हुआ लास्ट लेक्चर, चेक करना, अभी मिल जाएगा आपको। सर वो फॉर्मूला था बॉन्ड लेंथ अपॉन 2 इज इक्वल टू, आपने क्या लिखा था, डी कुछ लिखा था, कोवेलेंट रेडियस ऑफ ए इज इक्वल्स टू डी डिस्टेंस बिटवीन ए और ए डैश ए बॉन्ड डिवाइडेड बाय 2 व्हिच इज नथिंग बट बॉन्ड लेंथ डिवाइडेड बाय 2, वैसे कुछ, ओके। तो ये जो था वो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए था। अब हम लोग सेकंड कैटेगरी जो देखने वाले हैं, वो देखने वाले हैं हेटरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स मतलब क्या, तो दो डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स, तो ये ए मॉलिक्यूल, ये बी मॉलिक्यूल, जरा छोटा आइटम आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जो डिस्टेंस होने वाला है, दिस इज बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। अब इसमें भी एक सिंपल छोटी कैटेगरी आती है, सब कैटेगरी, दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज सेम। अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बात नहीं किया है, बट ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम वाली कैटेगरी पे आती है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर सेम होगा तो कंसेप्ट बहुत ईजी है, हम लोग क्या करेंगे, वापस को हाफ में कट कर देंगे। तो ये जो डिस्टेंस है वो हो गया आर ए और ये जो डिस्टेंस है वो हो गया आर बी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, बॉन्ड लेंथ इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी,
अगर तुम लोगों को रेडियस ऑफ ए फाइंड आउट करने बोला तो रेडियस ऑफ ए इज बॉन्ड लेंथ माइनस रेडियस ऑफ बी, ठीक है. एंड सिमिलरली अगर तुम लोगों को रेडियस ऑफ बी फाइंड आउट करने बोला तो बॉन्ड लेंथ माइनस रेडियस ऑफ ए, दैट्स इट, नथिंग मच. ठीक है, लिख लो. एंड दूसरी कैटेगरी तुम लोगों ने अभी तक फिगर आउट कर लिया होगा. सेकेंड कैटेगरी इज व्हेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डिफरेंट. ठीक है, अब अगर इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आएगा तो होगा क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का तुम लोगों को कंसेप्ट थोड़ा बहुत तो पता है, करेक्ट और रॉन्ग? यस सर. तो मुझे बताओ इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन्स शेयर है. ठीक है, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन्स शेयर है, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को खुद की तरफ अट्रैक्ट करेगा. ठीक है, अगर कोई एक एटम इलेक्ट्रॉन्स को खुद की तरफ अट्रैक्ट करेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़नी चाहिए या कम होनी चाहिए? कम होगी ना? कम होगी, क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो दूसरा एटम अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की कोशिश कर रहा है. ठीक है, तो ए बी, ठीक है, इन दोनों से जो भी कोई ज्यादा ताकतवर होगा वो दूसरा एटम को खींचने की कोशिश करेगा, वो इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करने की कोशिश करेगा. तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ का फॉर्मूला कैसे है, रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी, ऊपर जैसा ही, बट इसमें हम लोगों को एक छोटी सी क्वांटिटी अमाउंट माइनस करने पड़ेगी, क्योंकि दूसरा आइटम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करने की कोशिश करेगा. एंड कितनी अमाउंट माइनस करनी पड़ती है, तो 0.09 इनटू शाई ए माइनस शाई बी. ठीक है, तो ये एक्स नहीं निकाला है मैंने, इट इज अ शाई, इट इज अ सिंबल, ग्रीक सिंबल विच इज शाई, या फिर ची भी बोल सकते हो तुम लोगों को अगर सिंपली बोलना है तो, दिस इज शाई. ठीक है, एंड ग्रीक सिंबल है जैसे सिग्मा रो अल्फा बीटा वैसे ही, एंड शाई ए एंड शाई बी ये क्या रहते हैं, दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली. ठीक है, जैसे मैंने ऊपर बताया था तुम लोगों को, हम लोगों को सिर्फ फॉर्मूलाज देखने हैं, लिख के लेने हैं, कुछ सॉल्व नहीं करना है. ठीक है, तो जो जो फॉर्मूलाज रिक्वायर्ड है वो मैं तुम लोगों को लिखा के दे ही दूंगा. जो स्टूडेंट्स लेफ्ट कर रहे हैं, आई होप तुम लोग पहले से मतलब रिविजन लेक्चर्स बैठ के हो चुके हो. ठीक है, जस्ट बोर हो रहा है इसलिए लेक्चर लेफ्ट मत किया करो, पूरा एंड तक रुका करो. जो फर्स्ट टाइम लेक्चर बैठ रहे हैं, लेक्चर बिल्कुल मिस मत करना. वो 0.09 क्या है एग्जैक्टली? इट इज अ कांस्टेंट. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस लेना है और उसको उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. मतलब सी, मैंने क्या बोला, जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उतना वो विड्रॉ करेगा और साइज छोटी होगी, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस लिया है कि दूसरे की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितने टाइम्स ज्यादा है. ठीक है, अब जो कम होता है तो मतलब क्या, तो जो अमाउंट कम होगी, डिक्रीज इन रेडियस, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डिक्रीज इन रेडियस. ठीक है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, मतलब एक्स ए माइनस एक्स बी बराबर. तो ये जो डिक्रीज इन रेडियस है वो यहाँ पे आना चाहिए था, मतलब आर ए प्लस आर बी माइनस डिक्रीज इन रेडियस. तो कितना डिक्रीज होगा, तो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस रहने वाला है उतना. अब इस डिक्रीज को समझने के लिए हम लोगों को एक कॉन्स्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, एंड देन एक्स ए माइनस एक्स बी ऐसे करना पड़ेगा. तो इस कॉन्स्टेंट की वैल्यू कितनी रहती है, तो 0.09 एक्स ए माइनस एक्स बी. बट अगेन ये जो मैंने तुम लोगों को पार्ट बताया, ये सारी चीजें हम लोगों के सिलेबस में नहीं है. हम लोगों को सिर्फ याद क्या रखना है, तो हम लोगों को इतना ही याद रखना है कि ये फॉर्मूला है, दैट्स इट. तुम लोग ज्यादा इसके ऊपर सोचो ही मत. एग्जाम्पल्स जहाँ पे रिक्वायर्ड रहते, फॉर एग्जाम्पल फिजिकल केमिस्ट्री, हम लोगों ने बहुत एग्जाम्पल्स सॉल्व किए थे, यहाँ पे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है. हम लोगों को सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है. ठीक है, तो ठीक से नहीं समझा कि रेडियस डिक्रीज कैसे होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बढ़ेगा तो. अच्छा
अच्छा हाँ सी, अगर समझो बी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, बी क्या हो गया, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे बीच में जो इलेक्ट्रॉन है ये देखो, ये एक का इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने पास खींचने की कोशिश करेगा, ए के इलेक्ट्रॉन को अगर वो खींचने की कोशिश करेगा तो ए क्या करेगा, बी के नजदीक घुस जाएगा, तो बॉन्ड लेंथ जो है वो बढ़ेगी या कम होगी, तो ऑब्वियस है वो कम होते जाएगी, तो कितना कम होगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के बीच में, मतलब अगर बी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो ये डिफरेंस जो है वो बढ़ जाएगा, समझ में आ रहा है, बी अगर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो एक्स ए माइनस एक्स बी का डिफरेंस जो है वो बढ़ जाएगा, ये जितना बढ़ेगा उतनी रेडियस जो है वो कम होगी, समझ में आ रहा है? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा। ओके सी अगेन, ये फॉर्मूला मैंने ऐसे फटाफट समझाने का रीजन इतना ही है कि तुम लोगों को जस्ट फॉर्मूला याद रखना है, ये एक्सप्लेनेशन तुम लोगों को बिल्कुल याद नहीं रखना है, ये लिखोगे नहीं तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ये कॉन्स्टेंट, मतलब किसी ने डाउट पूछा था कि 0.09 क्यों आया, तो उसका रीजन सिर्फ ये है, अगेन मैं ऐसे सारे फॉर्मूलाज तुम लोगों को एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, हम लोगों को यहाँ पे फॉर्मूलाज का मीनिंग नहीं समझना है, सिर्फ फॉर्मूलाज याद रखने हैं। ओके तो चलो आगे बढ़ते हैं, अब ये था कोवेलेंट रेडियस, ठीक है, अब दूसरी चीज हम लोग जो देखने वाले हैं वो हम लोग देखने वाले हैं मेटालिक रेडियस, ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद मेटालिक रेडियस, तो कोवेलेंट बॉन्ड जब बनता है तब ओवरलैप होता है, ठीक है, बट मेटालिक बॉन्ड जब बनेगा, मेटालिक रेडियस ले लिया, तो तुम लोगों ने जब कभी सॉलिड बनाए थे बचपन में तो तुम लोगों ने ऐसे ही सर्कल्स बनाए रहेंगे, अब इनको ओवरलैप किया था क्या? नो सर। तो ये जो हम लोग सॉलिड बनाते हैं वो मेटल के रहते हैं यूजुअली, ठीक है, मेटल कभी भी मेटालिक बॉन्ड जब फॉर्म होता है तो वो ओवरलैप नहीं करते, ठीक है, दे आर रिजिड स्पीयर, हम लोग इनको कैसे मानते हैं, तो ये एक रिजिड स्पीयर है, काइंड ऑफ लाइक मार्बल्स, गोटी है, खेली है ना, तो मार्बल्स कभी अगर तुम लोग एक दूसरे के ऊपर कोलाइड करोगे तो एक दूसरे के अंदर नहीं घुस जाते, वो एक दूसरे को सिर्फ टच करेंगे, तो वैसे ही, तो यहाँ पे अगर तुम लोगों को इनकी रेडियस फाइंड आउट करनी है तो तुम लोग क्या करोगे, समझ में आया, खत्म। तो अगर तुम लोगों को मेटालिक रेडियस फाइंड आउट करनी है, अगेन सेम टाइप का बॉन्ड है, ऐसे समझ लो ए मॉलिक्यूल्स है, तो मेटालिक रेडियस ऑफ ए फाइंड आउट करना है तो तुम लोग कैसे करोगे, डिस्टेंस बिटवीन ए डैश ए बॉन्ड डिवाइडेड बाय 2, विच इज इक्वल्स टू बॉन्ड लेंथ डिवाइडेड बाय 2, खत्म, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, सेम फॉर्मूला जैसे का तैसा हम लोगों ने लिखा है, कोवेलेंट बॉन्ड है, थोड़ा सा रिमार्क यूज करो, कोवेलेंट बॉन्ड और मेटालिक बॉन्ड का फॉर्मूला सेम कैसे, जबकि वो ओवरलैप करता रहे बाजू बाजू में, तो वही अभी मैं पूछने वाला था आपको, अब मुझे बताओ कि किसकी साइज ज्यादा होगी, फॉर्मूला तो सेम है, तो लॉजिकली मुझे बताओ मेटालिक रेडियस और कोवेलेंट रेडियस इनमें किसकी साइज ज्यादा होगी, मेटालिक रेडियस की साइज ज्यादा होगी, ठीक है, याद रखो हम लोगों ने उसको हाफ में डिवाइड करना है, ये हम लोगों ने डेफिनेशन इस कोवेलेंट बॉन्ड की बना ली है, ठीक है, तो हम लोग उसे ही फॉलो करते हैं, अब किसी साइंटिस्ट ने ऐसे भी बोला, बोल सकता था वो कि नहीं ये रेडियस अगर ले रहे हैं तो थोड़ा सा इतना जो बीच वाला पार्ट है, किधर गई वो फर्स्ट डायग्राम, अच्छा हम लोगों ने वो वहां से बंद कर दिया था, तो ये इतना जो बीच वाला पार्ट है वो ओवरलैप में चला जा रहा है, तो हम लोगों को थोड़ा सा पार्ट एक्चुअल आइटम का मिस हो रहा है, तो हम लोगों को ऐसा ना लेके ऐसे लेना चाहिए, ठीक है, बट yes, sir. ये वाली रेडियस फाइंड आउट करने के लिए डिफिकल्ट है, हम लोग बॉन्ड लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे फाइंड आउट करेंगे उसके मेथड हम लोग नेक्स्ट ईयर पढ़ने वाले हैं, बट हम लोग बॉन्ड लेंथ बीच की रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं, बट सिर्फ एटम की रेडियस हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो हमारे पास दूसरा अल्टरनेटिव क्या था, बॉन्ड लेंथ को लो और उसको हाफ में डिवाइड करो, दैट्स इट, तो हम लोग यही रूल फॉलो करेंगे, दिस इज द डेफिनेशन विच इज मेड अप बाय अस, तो उसे हम लोग कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकते, तो दोनों में सेम फॉर्मूला, दोनों में साइज डिफरेंट डिफर करेगी सर, तो ये छोटा क्यों सबको समझ में आया, बोलो सर, कोवेलेंट बॉन्ड का जो डिवाइड बाय 2 था बीच में का, वो कहीं तो करेक्ट है, क्योंकि जहाँ पे वो
एक ऐसा पॉइंट था जहाँ पे वो एक्चुअली सर्कम्फ्रेंस को टच कर रहा था, वो एटम का जो सर्कम्फ्रेंस है मतलब सेंटर ऑफ एन एटम से सर्कम्फ्रेंस तक टच कर रहा था. देयर इज अ पॉइंट सो इट कांट बी रॉन्ग. व्हाट आई एम नॉट गेटिंग इट सर. जो कोवेलेंट बॉन्ड का जो रेडियस जो डायग्राम आपने बनाया था वो वहां पे जाओ ना एक मिनट. यहाँ पे ये बता दो. ओके सो देयर यू कैन सी अ पॉइंट वेयर एक्चुअली द सेंटर इज टचिंग द सर्कम्फ्रेंस. लाइक अगर हम एक लाइन खींचे फ्रॉम सेंटर. यस वेट अ मिनट. हाँ नाउ. हाँ सर. सो वहां पे पॉइंट है. हाँ बट दिस मच पार्ट इज रेडियस ऑफ ए. हम लोग ऐसे अज्यूम करते हैं. तो ये जो बाकी का जो बचा हुआ पार्ट है सर्कम्फ्रेंस को टच करने वाला वो थोड़ा कम हो जाता है. तो दिस इज द अजम्पशन एंड दिस इज द मैनिपुलेशन मेड बाय अस. हाँ ओके तो लिख लो ये. एंड हाँ तो कोवेलेंट रेडियस हमेशा छोटी रहती है मेटालिक रेडियस से. क्यों? क्योंकि थोड़ा सा पार्ट ओवरलैपिंग में चला जाता है. ठीक है तो ओवरलैप होने की वजह से कोवेलेंट रेडियस जो है वो नॉर्मल से थोड़ी कम रहती है. तो लिख लो मेटालिक रेडियस बड़ी रहती है कोवेलेंट रेडियस छोटी हो जाती है. वैन डर वाल्स रेडियस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. अभी हम लोगों का टाइम ऑलमोस्ट फिनिश्ड होने आ गया है एंड दैट इज अ क्वाइट बिग टॉपिक. ठीक है तो वी विल स्टॉप ओवर हियर एंड सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय. गॉड ब्लेस यू. बोलो सर थोड़ा सा बता सकते हो कि मेटालिक बॉन्ड दिखता कैसे है? लाइक वो उसका प्रेजेंस. अच्छा वो समझा. तो सी ये एक्चुअली हम लोग को इस चैप्टर में डिस्कस तो नहीं कर रहे हैं बट ठीक है देखते हैं. तो समझ लो मैं एक सोडियम का एग्जांपल ले रहा हूँ. ठीक है अब मेटल्स मेटल्स को क्या करना अच्छा लगता है? होमवर्क तुम लोगों को एज अ असाइनमेंट ग्रुप पे अपलोड ग्रुप पे नहीं मतलब क्लासरूम पे अपलोड हो जाएगा. हाँ तो मेटल मेटल को क्या करना अच्छा लगता है? तो उसको अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करना अच्छा लगता है. राइट और रॉन्ग? यस सर. तो अभी मैं डायग्राम के सेक के लिए इनमें थोड़ा गैप रखने वाला हूँ. इनमें एक्चुअल में गैप प्रेजेंट नहीं रहता. ठीक है तो जैसे Na के एटम्स पॉजिटिव स्टेट में रहते हैं. ठीक है एंड इनके बीच में रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स जो Na ने ही डोनेट किए रहते हैं. उनको इलेक्ट्रॉन डोनेट करना हमेशा अच्छा लगता है. तो होता क्या है ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आजू बाजू से सोडियम से घिरे हुए रहते हैं और सोडियम का पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है तो बस इसके वजह से इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होता है एंड जिसके वजह से ये एक दूसरे को पकड़ के इजीली रह सकते हैं. समझ में आया मैंने क्या बोला? पर मतलब लाइक दो सोडियम एटम्स के बीच नहीं ना इसके बीच में. इसलिए तो ये बीच में इलेक्ट्रॉन्स है ना. इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है उनको पकड़ के रखता है. मतलब रिपल्शन इज पॉसिबल हो सकता है बट अट्रैक्टिव फोर्सेस आर ग्रेटर कंपेयर टू दैट ऑफ रिपल्शन. वैसे जस्ट अ मिनट किसी ने तो मैसेज किया है. अच्छा क्लासरूम ओके. तुम लोगों को ईमेल नहीं आता क्या होमवर्क अपलोड होने के बाद? यूजुअली तो आना चाहिए. आता है. आता है ना तो अरे ईमेल चेक किया करो. डाउट ग्रुप पे अपलोड मुझे वापस डालने की क्या जरूरत है? एंड बाय द वे मैं आंसर की भी अपलोड करता हूँ पता है ना? नहीं नहीं सर. नहीं सर वो नहीं पता. तुम लोगों को आंसर की नहीं मिलती मतलब होमवर्क की? नो सर. नो सर नहीं मिलती. तुम लोग चेक करते हो बराबर से या मैं गलत जगह पे अपलोड करता हूं? हां सर चेक करते हैं. हां सर हर होमवर्क के बाद आजू-बाजू देखते हैं. सर अभी तक हमारा मॉल कंसेप्ट का होमवर्क ही हुआ है. होमवर्क नहीं हुआ है इन द सेंस. अरे तुम लोगों को आंसर की मिली ही नहीं है कभी मोल कॉन्सेप्ट की? नहीं सर. पक्का नहीं मिली है कभी? नहीं कभी नहीं. तो मुझे क्रॉस चेक करना पड़ेगा मैं कहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ. मतलब मैं मिस्टेक कर रहा हूँ कुछ तो अपलोड करते वक्त आई गेस. एक काम करता हूँ मैं आज ग्रुप पे अपलोड कर दूंगा. ठीक है ठीक है. तो विद दिस विल स्टॉप टुडेस लेक्चर. सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू सर. बाय बाय सर. थैंक यू सर. बाय बाय.